हेलो हैलोल्स सो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन कैसे है सब लोग आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल सो एवरी वन टू योर ओन यूट्यूब चैनल गेट वाला एम ई सी एंड एच सी एंड आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ टीम द्रोना जहाँ मेरे दोस्त पैसा नहीं बच्चों का प्यार चलता है सो माई डियर फ्रेंड माई नेम इज अभिषेक भारतीय गेट ऑल इंडिया रैंक वन थर्टी सिक्स एंड आई एम टेकिंग द क्रैश कोर्स ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग तो मेरे दोस्त अगर मैं आज से चार दिन की बात करूं तो बिफोर योर दिवाली हॉलीडेज मतलब दो दिन का आपको हॉलीडे मिलने वाला है दिवाली के पहले तो मतलब हॉलीडे तो यहां से मेरे को चार दिन दिख रहे हैं डेट इज योर वेटनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फोर डेज माई डियर फ्रेंड दैट मीन्स टोटल एट आवर्स ऑफ द लर्निंग एंड फोर मार्थ इन द गेट एग्जाम यस मेरे दोस्त तो इन चार दिनों में चार मार्थ्स के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इंक्लूड्स द थ्योरी दैट इंक्लूड्स द नुमडिकल और आप भी जानते हो जब हम नुमडिकल करने जाते हैं अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट तो बहुत डिटेल में कर रहे होते हैं राइट तो मेरे दोस्त फोर डेज फोर मार्थ एट आवर्स नॉट अ बैड डील नॉट अ बैड डील यस और नो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल डू आफ्टर द दिवाली हॉलीडेज राइट मैंने पहले बोला आपका टाइम भी खत्म होगा फिफ्थ ऑफ नवंबर योर सिलेबस ऑफ जियोटेक बी कंप्लीटेड राइट सो यू हैव टू वरी अबाउट दैट चलिए ओके तो अगर आपको मेरी वॉइस बड़ी क्लियर सुनाई दे रही है और दिख तो रहा हूं मैं तो फटाफट चैट सेक्शन लाल पीला हरा नीला हो जाना चाहिए चैट सेक्शन लाल पीला हरा नीला हो जाना चाहिए आई एम गुड एम गुड आदित्य चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं सब लोग कैसे हैं सारे लोग बहुत बढ़िया गुड इवनिंग मानवेंदर शिवम पांडा पांडा आसिफ आनंद क्या बात है चलो भाई ओके भास्कर गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन का अभ्यास एकदम रहेगा कब से रहेगा देखो अभी थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना कि जो भी सब्जेक्ट आपका क्रैश कोर्स में हो जाएगा उसी का अभ्यास लेकर आएंगे कैसा रहेगा भाई जो सब्जेक्ट आपका यहां पे हो जाएगा अगर उसी का अभ्यास कराएंगे तो क्या वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए क्या बोलते हो आपका क्या राय है आपका क्या राय है राइट सो दिस इज वॉट वी आर प्लानिंग कि सब्जेक्ट खत्म हो उसका अभ्यास करा दे जैसे कोई डीपीपी क्वेश्चंस में आपका इश्यू आया या आपके कहीं भी कोई पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से अगर चलते करने का प्लान कर रहे हैं ठीक है ताकि जो सब्जेक्ट खत्म हो गया उसके जस्ट बाद उसका अभ्यास आ जाए है ना सो so इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं ठीक है अब टेंशन खत्म ना भाई मेरे आप कहां हो मैंने पहले बोला ना बच्चों का क्या डिमांड है आपके बिना बोले हमें पता चल जाता है बच्चों का क्या डिमांड है आपके बिना बोले हमें पता चल जाता है ठीक है ना एंड दैट इज अ रिलेशन दिल से दिल का कनेक्शन है गेट वाला में दिल से दिल का कनेक्शन होता है बच्चों के बीच में और बच्चों और स्टूडेंट में मतलब टीचर्स में यही कनेक्शन होता है ना चलिए लेट्स मूव ऑन तो पहले तो कुछ रिविजन कर लिया जाए पहले तो कुछ रिविजन कर लिया जाए जो भी हमने पढ़ा है राइट फर्स्ट लेट एस रिवाइज समथिंग तो हमने कल पढ़ा था कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन तो एक ओवरव्यू लेने वाले अगर हम बात कर डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइ बिटवीन जीरो टू वन अगर हम कंसोलिडेशन बात कर रहे हैं तो इट इज फॉर द सैचुरेटेड स्टेट दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वन अगर हम कंसोलिडेशन मतलब बात, तो बात कर रहे हैं मेरे दोस्त तो में क्या होता है रिमूवल ऑफ वाटर होता है अगर हम बात करें कॉम्पैक्शन में तो यहां पे रिमूवल किसका होता है एयर का होता है इट इज द रिमूवल ऑफ एयर कॉम्पैक्शन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ना वेर एज कंसोलिडेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस समय के साथ होता है ये है ना देर इज ए स्पेसिफाइड टेक्निक यहां पर टेक्निक्स अवेलेबल है नो स्पेसिफाइड टेक्निक्स आर अवेलेबल यही चार डिफरेंस थे यही चार डिफरेंस यस और नो एकदम सही बात है सर उसके बाद हमने कॉम्पैक्शन टेस्ट पढ़ा जहां पे लाइट और टेस्ट पढ़ा था। अगर हम लाइट टेस्ट में बात कर रहे हैं, कितना होता है? 1000 का होता है. आपने कितना लेयर बनाया तीन लेयर पच्चीस ब्लो पर लेयर अगर आप उसमें जा रहे हो आ, में जा रहे हो फोर पॉइंट नाइन के जी फोर पॉइंट नाइन के जी हाइट ऑफ कितना हो गया 450 फिफ्टी एम एम कहीं गलती होगा बता देना डाटा में वॉल्यूम हो गया सीसी नंबर ऑफ लेयर हो था लेर ट्वेंटी फाइव अगर हम रेशियो बात करें एनर्जी टू एनर्जी लाइट दैट इज नथिंग बट इक्वल टू नॉइट फाइव सिक्स नो एनर्जी टू एनर्जी लाइट व्हाट इज द रेशियो नथिंग बट फोर पॉइंट फाइव सिक्स उस तो हमने देख लिया उसके बाद कॉम्पैक्शन कर्फ और क्ले पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था भाई कॉम्पैक्शन कर्फ और क्ले जब पढ़ा था तो हमको जो मैक्सिमम हम आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे एम डी डी MDD और इसको हम क्या बोल रहे हैं OMC ये जो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आया दिस इज ऑप्टेन एट 85 फाइव टू नाइन फाइव परसेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन नॉट एट हंड्रेड परसेंट सैचुरेशन बिकॉज एज सून एज यू लिफ्ट गोइंग टू पेनिट्रेट इन राइट तो यहां से अगर हमको गामा डी मैथ्स निकालना है जो कि आपको एक्चुअल मिल रहा है दैट इज आपको निकालना है तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई दैट इज एस लेकिन यही अगर हम गामा डी थ्योरेटिकल निकालेंगे जो इसी वाटर कंटेंट के करस्पोडिंग ऊपर आ रहा होगा सो दैट इज नथिंग बट जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी यही हो जाता है मेरे दोस्त राइट इतना ही हमारे काम का भी अब अगर यह बात करें तो इधर मेरा क्या बोलते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और इधर हम बोलते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम हम क्या बोलते हैं ड्राई ऑफ में फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर है, है इधर आपका स्ट्रक्चर क्या है डिस्पर्स स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाएंगे इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्शन एफर्ट अगर हम कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ा रहे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होने वाला है अगर हम कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ा रहे हैं लाइट टू हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट जा रहे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विल इंक्रीज एंड ओ एमसी विल डिक्रीज प्लासिटी अगर बढ़ा रहे अगर हम प्लासिटी बढ़ा रहे गामा डी घटेगा गामा डी घटेगा ओ एमसी बढ़ेगा नेक्स्ट कॉम्पैक्शन कप फॉर सैंड अगर बात करें तो यहाँ पे हमने मैंने पढ़ा था बल्किंग ऑफ सैंड जहां पे हमने देखा था कि फॉर फोर टू सिक्स परसेंट वाटर कंटेंट गामाडी विल बी मिनिमम क्योंकि वहां पे बल्किंग ऑफ सैंड होता है बल्किंग ऑफ सैंड इज दैर एंड फॉर फुल सैचुरेशन दिग्री ऑफ सैचुरेशन इज वन इज यू आर गोइंग टू सी द गाडी मैथ्स दिस द केस ऑफ फुल सैचुरेशन सो दिस यू हैव लर्न फॉर द कॉम्पेक्शन कप फॉर सैंड देन वाटर पढ़ा था क्या क्या फैक्टर्स जो कॉम्पैक्शन पड़ते हैं वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट बढ़ाने क्या होगा वाटर कंटेंट हम बढ़ा रहे हैं पहले वाटर कंटेंट से क्या हुआ आपका पहले गामा डी बढ़ा एक एक हाइट तक मतलब एक पॉइंट तक बढ़ा ओएमसी के ओ बढ़ा फिर क्या हुआ घट गया उसके बाद हमने क्या देखा कॉम्पैक्टिंग इफर्ट कॉम्पैक्टिंग इफर्ट बढ़ा रहे हैं

ना स्मूथ व्हील रॉलर न्यूमैटिक टायर्ड रॉलर राइट देन वाइब्रेटर रैमर वी आल्सो सीन इंजीनियर प्रॉपर्टीजिंग दिन द तो सारी बातें हमने कल कवर की थी ऑल द पॉइंट ऑल द कवर्ड, राइट कंसोलिडेशन के नुम कल नहीं बनते कंसोलेशन के बनते हैं कंसॉलिडेशन के ही तो बनते हैं भाई कंसॉलिडेशन के बनते हैं और किसके लिए बनते हैं चलो तो फटाफट मेरे दोस्त अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसोलिडेशन वी हैव ऑलरेडी डन द बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का बेसिक हमने कल पढ़ लिया था कि जब पूरा एयर रिमूव हो गया सब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में है तो उस स्टेज में लोड सारा कौन लिया आई एम अप्लाइंग द सडन लोड सारा लोड कौन लिया सारा लोड कौन लिया द एंटायर लोड इज टेकन बाई वॉटर अब वाटर पे एक लोड लगेगा कंप्रेस करना चाहिए पानी बाहर निकलेगा जितना पानी बाहर निकला वो जितना लोड ले रहा था वो ट्रांसफर हो रहा है सोलिड पे राइटी right? so right? बात कर लेते हैं अब मेरे दोस्त लेट्स मतलब मतलब एंटर टू देंटर करने जा रहे हैं उस पार्ट में जहां पे हम फोर मार्थ का डील करने जा रहे हैं इन फोर डेज फोर माथ फोर डेज एट आवर्स आर यू रेडी टू गिव क्या आप ये प्रण लेते हो सर कि ये आठ घंटा जो आप बोल रहे हो ये जो आने वाला चार दिन है आज से मिला के ये आने वाला चार दिन 9 पीएम टू 11 पी सर हम किसी को टाइम नहीं देंगे ये प्रण लेना पड़ेगा ये प्रण लेना पड़ेगा और तभी तुमको ये नंबर मिलेगा ये बता दे रहे अगर आप अभी सेशन में हो आप अभी इस सेशन में हो यू नीड टू टेक दिस प्लेज सर फॉर दिस लेस फोर डेज चाहे कुछ भी हो जाए कहीं भी जाना हम नहीं जाएंगे है ना आई विल बी डूइंग दिस सेशन इट इज योर प्रोमिस प्रॉमिस लेना होगा भाई तभी करना वरना मत करना अपने मत बोलना सर क्वेश्चन नहीं बन रहे क्वेश्चन उन्हीं के बनेंगे जो यहाँ पे अटेम्प करेंगे चलिए ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस लेट्स मूव वन बाई वन कंसोलिडेशन जब आप कर रहे हो यू है लोड आप लोड लगाए तो जब आप लोड लगाओगे तो लोड लगाने के कारण मिट्टी सेटल करेगा क्या या सिंपल बात है ना पानी निकल रहा है पानी निकल रहा है, है वॉइड क्या हो रहा है कम हो रहा है वॉटर इज गोइंग आउट द वॉइड्स आर गेटिंग रेड्यूस्ड और जब वॉइड रेड्यूस हो रहा होगा तो स्वाइल क्या हो रहा होगा सेटल कर रहा होगा सही बात है कि नहीं अब मुझे ये बताओ जिसमें पानी तेजी से निकल रहा होगा जिसमें पानी तेजी से निकल रहा होगा उसमें सेटलमेंट रेट ज्यादा होगा या कम होगा सोच के देखना जिसमें पानी तेजी से निकल रहा होगा उसमें सेटलमेंट रेट ज्यादा होगा कम होगा ठीक है ज्यादा होगा कंफर्म शिवम आनंद आदित्य मानवेंदर ज्यादा होगा भाई यशवंत भाई कम कैसे हो गया जिसमें पानी तेजी से निकल रहा है वॉयड उतना तेजी से कम हो रहा है वॉइड उतना तेजी से कम हो रहा है और वॉइड जितना तेजी से कम होगा उतना तेज आपका सेटलमेंट होगा सही बात है ना एकदम सही बात है के भी बोल रहा है कम होगा क्या बात है भाई चलो देखो अब यहां पे सेकंड पॉइंट है मेरे दोस्त जिसमें वॉइड ज्यादा होगा सुनना बात को ध्यान से जिसमें वॉइड ज्यादा होगा उसमें सेटलमेंट ज्यादा होगा या कम होगा जिसमें वॉइड ज्यादा होगा उसमें सेटलमेंट ज्यादा होगा कम होगा जिसमें वॉइड ज्यादा है जिसमें वॉइड्स में मतलब पानी है जितना ज्यादा वॉइड्स होगा उतना पानी होगा पानी जितना निकलेगा हा उतना ज्यादा सेटलमेंट होगा क्योंकि उतना वॉल्यूम चेंज होगा राइट सो माई डियर फ्रेंड प्लीज फोकस करेंगे यहां पे प्लीज फोकस करेंगे यहां पे आई एम ड्राइंग द सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर अब तुम बताना किसके लिए कौन सा कर बना है ठीक है ना फोकस करेंगे यहां पे ये पहला कर्व है और दिस इज द सेकेंड कर्व विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने बनाया है ऑन द एच एक्सिस एंड सेटलमेंट वी हैव शोन सेटलमेंट वी हैव शोन ऑन द वाई एक्सिस नीचे की तरफ इसलिए क्योंकि सेटलमेंट मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अब सर पहला कर्व को अगर देखेंगे और दूसरा कर्व को देखेंगे तो सेटलमेंट रेट किसका ज्यादा है पहले का या दूसरा का बताएंगे मेरे दोस्त सेटलमेंट रेट किसका ज्यादा है सेटलमेंट रेट सेटलमेंट रेट सेटलमेंट रेट इज मोर सेटलमेंट रेट इज मोर बताएंगे मेरे दोस्त यस yes? अरे कर नहीं पढ़ने आता भाई सेटलमेंट रेट किसका ज्यादा होगा जिसका स्लोप ज्यादा होगा डीएस बाई डी टी जिसका ज्यादा होगा यस सेटलमेंट रेट ऑफ वन इज ग्रेटर देन टू ये बात समझ में आ गया सेटलमेंट रेट एक का ज्यादा होगा टू से है ना अच्छा अब ओवरऑल सेटलमेंट किसका ज्यादा ओवरऑल सेटलमेंट किसका ज्यादा ओवरऑल सेटलमेंट किसका ज्यादा बताओ ओवरऑल सेटलमेंट किसका ज्यादा दिख रहा है टू का दिख रहा है अरे साफ दिख रहा है ना जहां पे हमको यहां पे ज्यादा सेटलमेंट दिख रहा है तो ओवरऑल सेटलमेंट ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन वन अब सर सेटलमेंट रेट कौन डिसाइड कर रहा है सेटलमेंट रेट कौन डिसाइड कर रहा है पानी तेजी से निकलेगा या धीरे निकलेगा ये कौन डिसाइड करेगा सोयल का परमिबिलिटी सॉयल का परमिबलिटी डिसाइड करेगा ना किसका सेटलमेंट रेट ज्यादा होगा या किसका कम होगा कौन से सॉल का ज्यादा होगा या कौन से सवाल का कम होगा ये कौन बताएगा सॉल की प्रॉपर्टी और सॉल का प्रॉपर्टी कौन बताता है ये? ये चीज कौन बताता है परमिएबिलिटी बताता है परमिएबिलिटी अच्छा परमिएबिलिटी चलिए ओवरऑल सेटलमेंट कौन डिसाइड करेगा ओवरऑल सेटलमेंट कौन डिसाइड करेगा सॉइल का कौन सा प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कि सेटलमेंट इतना होना चाहिए वाइट 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 कितने वाइट है अब आप बताओ, अगर थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हो कोर्स है और फाइंग ग्रेन सॉइल है एक कर्व कोर्स ग्रेन सोइल का है दूसरा कर्व फाइंग ग्रेन सोइल का है एक कर्व कोर्स ग्रेनड सॉल्व का है दूसरा कर्व फाइन ग्रेनड सॉल्व का है कौन सा कर्व पहला से या दूसरा में से कौन सा कर्व कोर्स ग्रेनड है कौन सा फाइन ग्रेनड है बताएंगे मेरे दोस्त अगर आपको बेसिक क्लियर है अभी तक जितना बात अगर आपको बताया वो क्लियर है नाउ यू टेल मी माय डियर फ्रेंड कौन सा कोर्स ग्रेनड है कौन सा फाइन ग्रेनड है यस yes. पहला कोर्स ग्रेनड है दूसरा फाइन ग्रेनड है क्लियर है कैसे सर देखो कोर्स ग्रेनड का परमिएबिलिटी क्या होता है परमिएबिलिटी क्या होगा हाई होगा ग्रेटर होगा और वॉइड्स क्या होगा वॉइड्स क्या होगा कम होगा जब हम ये बात बोल रहे हैं ये बात हम किसके कंपेयर में बोल रहे हैं ये बात हम फाइन ग्रेन के कंपेयर में बोल रहे हैं तो परमिएबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन इज लेस देन डेट ऑफ द कोस ग्रेन एंड द नंबर ऑफ वॉइड्स इन द फाइन ग्रेन इज मोर देन डेट ऑफ द कोर्स ग्रेन तो सिंपल सा बात है सर परमियबिलिटी ज्यादा सेटलमेंट रेट ज्यादा लेकिन वॉइड्स कम है तो टोटल सेटलमेंट कम होगा मतलब सर ये जो पहला वाला कर बंगा, ये बना यह बना किसके लिए फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल लेकिन जो दूसरा वाला बात करें क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा और सेटलमेंट रेट क्या होगा कम होगा तो ये आपका किसका बन गया फॉर फाइन ग्रेन सॉइल एनी वन हैविंग एनी डाउट इन दिस एनी एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क किसी को यहां पे कोई भी डाउट है अभी पूछोगे बोलो यार आज से मतलब देखो अब ये टॉपिक ना सारे अच्छे अच्छे टॉपिक सारे तो वट वी आर गोइंग टू डू मतलब मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए आई एम गोइंग टू गो बिट स्लो थोड़ा स्लो चलूंगा और एक एक चीज समझाने पे फोकस ज्यादा रहने वाला है ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके इज इट क्लियर थोड़ा सा स्लो होंगा लेकिन सर अगेन इन कॉन्सेप्ट वही है आपको आठ घंटे में खत्म होना है दैट इज अ शॉर्ट ठीक है लेकिन इतना कंफर्म है एक एक चीज आपको समझ में आएगी परमिटी फाइन की कम क्यों होगी मैथ्स बाई इंजीनियर आनंद आप इंजीनियर हो सही में अगर हो तो शायद आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी और अगर देखी होती तो ये सवाल नहीं पूछते चलिए अगला सवाल तो ये सारी बात यहां पर लिखी हुई है मेरे दोस्त एवरीथिंग इज रिटर्न हियर सो यू डोंट वरी नाउ माय डियर फ्रेंड अब हम में एंटर कर रहे हैं अगला पार्ट में एंटर कर रहे हैं दैट इज वॉइड रेशू वर्स इफेक्टिव स्ट्रेस ना यू टेल मी अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो सेटलमेंट ज्यादा होगा या कम होगा सोच के देखना वॉइड आप लोड बढ़ाओगे यू यूफर इंक्रीजिंग द लोड तो सेटलमेंट ज्यादा होगा या कम होगा सेटलमेंट ज्यादा होगा अगर सेटलमेंट ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड बढ़ेगा या कम होगा वॉल्यूम ऑफ वॉर्ड बढ़ेगा या कम होगा सेटलमेंट ज्यादा हो रहा है लोड आप बढ़ा रहे हो तो उसी सॉल्व के लिए वॉल्यूम ऑफ वर्ड कम हो रहा है और मेरे दोस्त अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड कम हो रहा है सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड कम हो रहा है सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉन्स्टेंट मेरे वॉल्ड रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे वॉल्ड रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा वर्ल्ड रेशियो भी कम हो रहा होगा तो कैन आई से कि देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कैन आई से इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस बोलो यार कैन आई से दिस पॉइंट यस तो अब देखो यहां पे हम एक कर बना रहे हैं प्लीज फोकस करेंगे यहां पे प्लीज फोकस करेंगे यहां पे तो आपका जो वाई एथस है यहां पे दिखा रहा हूं मैं वॉइड रेशियो और एच हूं इफेक्टिव स्ट्रेस क्योंकि मैंने पहले ही बोला था नाइदर द टोटल स्ट्रेस नॉर द पोर वाटर प्रेशर इज गोइंग टू अफेक्ट द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द स्वल ओनली वन पैरामीटर दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सड फॉर द इंटर ग्रैनुलर प्रेशर इज रेस्पॉन्स फॉर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्वल तो हम जब भी कंपैरिजन करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस को लेके कंसिडर करेंगे क्योंकि न्यूट्रल का एक पार्ट है जो कभी कंसिडर नहीं होता है है ना अब देखो तो अगर हम कर बनाए तो ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट बनेगा जब रेशियो ज्यादा होगा इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहे वर्ल्ड रेशियो क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है सो इफ आई ड्रॉ द कर कुछ ऐसा मिलने वाला है मेरे दोस्त कर्व कुछ ऐसा मिलने वाला है। मिलने वाला है क्या बोलो तो कर्व कुछ ऐसा मिलने वाला है कि एक रफ मतलब हमने कोई रिलेशन अभी नहीं बनाया आपको मैंने कोई रिलेशन लेकिन इतना पता चल चुका है सर कि इनवर्स रिलेशन होगा राइट चलिए सर अब ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन लेकिन सर हमको क्या बताना है एक स्लोप बताना है तो स्लोप बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं एक पॉइंट ले रहे मतलब दो पार्ट ले रहे उसके बीच में मान ले रहे स्ट्रेट लाइन ठीक है ना सर इट्स माय प्रॉमिस जितना भी आपने कॉम्प्रिहेंसिव किया है ना उससे बेटर पढ़ाने वाला हूं ये मेरा प्रॉमिस है सर और आप भी जानते हो अगर मैंने किया तो जरूर कुछ बात होगी देखो यहां डियर फ्रेंड लेटेस्ट से ये सिग्मा वन डैश है इधर ई वन है इधर सिग्मा टू डैश है इधर ई टू है तो यहां पे आपको एक स्लोप दिख रहा है यहां पे आपको एक स्लोप दिख रहा है इस स्लोप को हम बोल रहे हैं द स्लोप ऑफ ई वर्सेस सिग्मा डैश कर इसको हम बोल रहे हैं क्या कोफिशियंट ऑफ वी आर से दिस एज कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या बोल रहे मेरे दोस्त हम इसको बोल रहे हैं कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिनोटेड एज एवी डिनोटेड एज

डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश यही लिखोगे ना मेरे दोस्त बताओ तो डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश यही लिखोगे लेकिन सर यहां पे एक प्रॉब्लम है यहां पे एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि क्या ये स्लोप थ्रू आउट द कर्व सेम होगा क्या ये एवी थ्रू आउट द कर्व सेम होगा टेल मी यस नो इज अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो स्लोप हम देख रहे हैं यह स्लोप थ्रू आउट द करव सेम नहीं है तो अगर यह स्लोप थ्रू आउट द करव सेम नहीं है तो क्या हम इसको सॉइल प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूज कर पाएंगे बोलोगे यार अगर यह स्लोप थ्रू आउट द करव सेम नहीं है तो क्या हम इसको थ्रू आउट द सॉइल फॉर एनी पर्टिकुलर uh, लोडिंग क्या हम इसको एज ए सॉल्व प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते इट बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट जैसे कि आप याद करो आपने हाई आपको याद होगा आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा अपर ईल पॉइंट लोअर ईल पॉइंट सॉम में पढ़ा है ना अपर ईल पॉइंट लोअर ईल पॉइंट अपर ईड पॉइंट वैरी करता है अपर ईल पॉइंट वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द मशीन लेकिन लोअर ईल्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ मटेरियल इसलिए जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हो या स्ट्रेंथ बोलते हो तो हमेशा आप लोअर स्ट्रेंथ लेते हो यू यू टेक टेक द द नॉर हायर दैट इज अपर पॉइंट यस और नो है ना चलो तो ये प्रॉब्लम था तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया यूजिंग द लॉक सेमी लॉक कर लिया गया सेमी लॉक कर लिया गया अब सेमी लॉक कर, कर लेने से क्या हो गया इफ आई यूज द सेमी लॉक कर क्या फायदा होने वाला बताएंगे चार्ट सेक्शन में चार्ट सेक्शन में बताएंगे अगर मैं सेमी लॉग कर लेता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त इफ आई टेक द सेमी लॉग कर क्या फर्क पड़ने वाला है लीनियर हो जाएगा वेरी गुड इट विल बी इट विल बी लीनियर तो अगर मैं वाई एक्सिस पे वर्ल्ड रेशियो बना रहा हूं और एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस बना रहा हूं मेरे दोस्त

दो पॉइंट ले लेते फॉर द एनालिसिस तो यहां पे मान लो कि जब आपका लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश है तो वर्ल्ड रेशियो ई वन है जब लॉग ऑफ सिग्मा टू डैश है वॉर्ड रेशियो आपका ई टू है सो नाउ मे डियर फ्रेंड इफ आई लुक एट द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग सिग्मा डैश कर तो ये क्या होता है दिस इज नथिंग बट डिफाइंड एज कोट ऑफ कंप्रेशन दिस इज डिफाइंड एज कोट ऑफ कंप्रेशन सिंबल्ड एज सी सी अब अगर हम यहां पर देखें तो हमको क्या दिख रहा है हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम राइटिंग एज ई वन माइनस ई टू अपॉन लॉग ऑफ हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो लॉग ऑफ सिग्मा टू डैश माइनस लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश सर व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी सर व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी बोलेंगे नथिंग बट लॉग ए बाई बी तो सर यहां पे हम क्या लिख रहे हैं डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा टू डैश अपॉन सिग्मा वन डैश एनी वन हैविंग एनी डाउट एनी वन हैविंग एनी डाउट इन दिस एनी वन हैविंग एनी डाउट इन दिस इज अमूला फॉर सी सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर सी सी क्लियर है यहां तक अरे बोलेगा यहां तक कोई डाउट अब मेरे दोस्त देखो ये जो सी सी है क्या हम इसको वाइडली यूज कर सकते हैं क्या यह जो सी सी है क्या हम इसको वाइडली यूज कर सकते हैं यसौ नो यो नो एकदम यूज कर सकते हैं एंड वट इज द जनरल रेंज ऑफ सीसी देखो सीसी जो है वो जनरली लाई करता है बिटवीन पॉइंट वन टू पॉइंटेड ये जो सीसी वैल्यू आप देख रहे हो ना ये जनरली लाई करता है लाइक वन टू पॉइंटेड पॉइंट रेंज है जिसमें आपको मिलता है देखो अगेन सिग्मा विल फर्स्ट कम फर्स्ट और नॉट क्या सिग्मा विल कम फर्स्ट और नॉट चलिए देखो यहां पर मैंने पहले बोला आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आई एम नॉट एविंग ऑर्ट द साइन मैं सिर्फ मैग्नीट्यू की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं चलिए यस पॉइंट वन टू पॉइंटेड चलिए ठीक है अब देखो आगे तो मेरे दोस्त ये बात जो बोली पॉइंट वन टू पॉइंटेड ये सारी बातें यहां पर क्लियर है नाउ देर आर सर्टेन एम्पेरिकल फॉर्मूलास देर आर सर्टेन एम्पेरिकल फॉर्मूलाजरली आपके ई एस सी के एग्जाम में यूज होता है बट ठीक है हम आपको बता दे रहे हैं अगर मान लो सवाल में आपको सीसी आपको निकालना आपके सवाल में नहीं दिया हुआ है तो सीसी बराबर हम लेते हैं पॉइंट जीरो जीरो माइनस टेन पॉइंट जीरो परसेंटेज में डाल रहे हो अगर रीमोल्डेड क्ले है अगर रीमोल्डेड क्ले है तो सीसी बराबर क्या लिखेंगे पॉइंट जीरो जीरो सेवन लिक्विड लिमिट माइनस टेन दिस इज फॉर रीमोल्डेड क्ले अगर आपको वाइल्ड रेशियो गिवन है ठीक है अगर आपको वाइल्ड रेशियो गिवन है तो उसका भी एक फॉर्मुला है ठीक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां तक ये दो फॉर्मुला अगर दिमाग में तो यूज हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो ये तो बात हुआ सीसी डिटरमाइन करने का अब सर उस टॉपिक पे आ रहे जिस पे लास्ट इयर्स पे सवाल देखा गया है हाँ सर पॉइंट थ्री नॉट माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है देखो यहां पे सो so, देखेंगे यहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर कंसॉलिडेटेड सॉइल पे लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे गए हैं और वो जो क्वेश्चन आपने देखे हैं वो थोड़ा बहुत आपने जो पहले पढ़ा है स्ट्रेसेस इन सॉइल उन सबसे लिंक करके क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे इज इट क्लियर तो पहले समझेंगे वट डू मी माई ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल मान लीजिए सर ये अभी बैरन लैंड है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है दिस इज द बैरन लैंड नो कंस्ट्रक्शन हैज बिन डन ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इस लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्ट करके लेटेस्ट से अब कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ फाइव फ्लोर्स इट कंसिस्ट ऑफ फाइव फ्लोर्स पांच फ्लोर की बिल्डिंग है तो पहली बार ये जो लोड है ये सॉइल पे लग रहा होगा इससे पहले बैरिन लैंड तक कोई लोड नहीं लगा था आपने अब जब कंस्ट्रक्शन किया है, तब ये लोड पे लगा है। तो इस अवस्था में सॉइल को क्या बोले होंगे जब आप लोड लगा रहे हो सॉइल कंसोलिडेट हो रहा होगा तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल विल से दिस एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड ठीक है अब आपने क्या किया कि दो माला उड़ा दिया आपने दो माला उड़ा दिया दो माला जब आपने उड़ाया जब आपने दो माला उड़ाया तो अब सॉइल पे जो पहले लोड लग रहा था अब सॉइल पे जो पहले लोड लग रहा था उससे ज्यादा लगेगा उससे कम लगेगा सोच के बताना अब जो सॉइल पे लोड लग रहा होगा वो पहले से ज्यादा लग रहा होगा कि कम लग रहा होगा यस बताएंगे बताएंगे कम लग रहा होगा कम लग रहा हो, अगर मान लो यहां पे सॉइल पे लोड लग रहा था सिग्मा वन डैश और यहां पे लग रहा है सिग्मा टू डैश तो ऑब्वियसली बात लेते हैं जो सिग्मा टू डैश होगा विल बी लेस देन सिग्मा वन डैश मतलब सर मेरे प्रेजेंट में जो लोड लग रहा है मेरे प्रेजेंट में जो लोड लग रहा है वो पास्ट के लोड से ज्यादा है या कम है ये मेरा प्रेजेंट है दिस इज द प्रेजेंट टाइम पांच माला से तीन माला कर दिया है दिस इज द प्रेजेंट टाइम दिस इज द प्रेजेंट टाइम तो प्रेजेंट में जो लोड लग रहा है वो पास के लोड से कम लग रहा है तो उस समय जो सॉइल को हम क्लासिफाई करेंगे या सॉइल के बारे में बता रहे होंगे तो सोइल क्या कहलाएगा? द दॉल विल कॉल्ड एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल बात समझ में आ रही बात बोलोगे यार सॉइल इज रेफर्ड एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल अब सर समझोगे बात को ध्यान से यहां पे अगर मानो बैरिन लैंड था और लैंड में हम तीन माला बनाए थे समझना बात को ध्यान से बैरिन लैंड तो बैरिन लैंड पे जब तीन माला बनाए थे फिर पांच माला गए फिर तीन माला आए तो जब स्टार्टिंग में जब तीन माला बनाए उस समय जो सॉइल डेंसिफाई था लेटेस्ट से आपको हम एक कंडीशन यहां पर दे रहे हैं क्या कंडीशन है मान लो आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल था नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल था और आपने क्या किया था तीन माला बिल्डिंग बनाया था आपने क्या किया था तीन माला बिल्डिंग बनाया था, देखिए पे, आपने तीन माला बिल्डिंग बनाया था देखेंगे आप, तो जब आपने तीन, तीन माला बिल्डिंग बनाया जब आपने तीन माला बिल्डिंग बनाया तो उस समय जो सॉइल के बारे में बात करें स्वायल के डेंसनेस की बात करें अगर सोइल डेंसनेस हम बोल रहे हैं रो वन और इस समय अगर तो ज्यादा डेंसिफाई होगा टेल मी अगर मेरा लैंड था और बैरिन लैंड में हमने तीन माला का बिल्डिंग बनाया जाते जाते पांच माला बनाया था और उस समय अगर मैं तीन माला का बिल्डिंग जब बनती मेरा डेंसनेस रो वन था और जब हमने दो माला उड़ा दिया और तीन माला बचा है और तब डेंसनेस मेरा अगर रो टू है तो किसका डेंसनेस ज्यादा मिलने वाला है रो वन का या रो टू का रो टू का ऑब्वियस बात है रो टू का रो टू विल बी ग्रेटर देन रो वन समझ में आ रहा है बात मतलब व्हेन आई से ओवर कंसोलिडेटेड सॉयल तो वहां पे क्या हो रहा है उसी लोडिंग में जब सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड का उसका वर्ड और अगर इसका वर्ड तो डिफरेंस मिलने वाला है है ना मतलब यह है कि ओवर विल बी बी सीन टू तो मोर डेंसर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल विल बी सीन टू तो बी मोर डेंसर इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन बोलेंगे यार इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल क्लियर है अरे क्लियर है चलो बहुत बढ़िया तो मेरे दोस्त यहां पे टर्म डिफाइन होता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ना व्हाट इज दिस ओवर कंसोलिडेशन रेशियो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट टू द स्ट्रेस अप्लाइड इन द प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट टू द स्ट्रेस अप्लाइड इन द प्रेजेंट पास्ट अपॉन प्रेजेंट तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में आपने क्या बोला कि अभी जो लोड लग रहा है वो पास के लोडिंग से क्या है कम है मतलब ओवर कंसोलिडेशन रेशियो विल बी लेस देन वन फॉर द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल अगर हम ओवर कंसोलिडेशन रेशियो बोल रहे हैं कि पास में जो स्ट्रेस है अपॉन प्रेजेंट में जो स्ट्रेस है तो अगर हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल बोल रहे हैं तो इन द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल पास्ट का स्ट्रेस विल बी मोर दे प्रेज अगर ऐसा है ओ सी आर विल बी ग्रेटर क्या मिलेगा एक से ज्यादा मिलेगा लेकिन यही अगर हम normally consolidated soil का बात करें तो इट विल बी लेस इक्वल टू वन इट विल बी लेस इक्वल टू वन क्लियर ए बात अरे बोलोगे इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन अबाउट कंसोलिडेटेड सॉइल तो ओवर कंसोल्ड ये तो आपको डेफिनेशन मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव में बहुत तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कैसे पूछा जा सकता है सारे न्यूमेरिकल करेंगे हाउ दे कैन आस्क सॉल्व द न्यूमेरिकल डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है ना टेंशन नहीं लेने का तो अब इसी पे एक रिकम्प्रेशन कर, कर रहे हो उसी सॉल को रिकम्प्रेस करने जा रहे हो मान लो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है प्लीज फोकस करके सुनेंगे फोकस करके सुनेंगे आपने तीन माले का बिल्डिंग बना हुआ था पांच माले से तीन माले पे आए और तीन माले से वापस से पांच माले पे जा रहे हो प्लीज फोकस करके सुनना प्लीज फोकस करके सुनना हम क्या बोल रहे हैं जब का सॉल नॉर्मली था, ठीक है तो यहां पे लोड क्या था सिग्मा वन डैश था अस से पांच माले का बिल्डिंग बनाया था आपने पांच माले का बिल्डिंग बनाया था आपने कम करके कितना कर दिया तीन माले पे कर दिया सिग्मा नॉट डैश अब आपने वापस से परमिशन ले लिया और बोला कि पांच माले का बिल्डिंग फिर हमको बनाना है पांच माले का बिल्डिंग फिर हमको बनाना है फिर से हमको सिग्मा वन डैश पहुंचाना है तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो एक्चुअल में आप उसी स्वाल को क्या कर रहे हो आप एक्चुअल में जब ये काम कर रहे हो तो उसी स्वाल को आप क्या करने जा रहे हो रिकम्प्रेस करने जा रहे हो आप yes no. उसी सॉइल को क्या करने जा रहे हो रिकम्प्रेस करने जा रहे हो पांच माला से जब आपका सॉइल नॉर्मली आपने दो माला उड़ा के ओवर कंसोलिडेट कर दिया आप वापस से अगर पांच माला बनाने जा रहे हो तो आप वापस से लोड लगा रहे हो मतलब उतना लोड के लिए फिर से सॉल्व को रिकमे फिर से सॉल्व को कंप्रेस करने जा रहे हो यस और नो तो इसलिए हम बात कर रहे रिकम्प्रेशन लेकिन जब तुम ये रिकम्प्रेशन कर रहे हो सोइल किस स्टेज में है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं रिकम्प्रेशन कि वहां तक पहुंचे दैट मीन कि हमको वन पहुंचाना है अगर हम रिकम्प्रेशन बात कर रहे हैं तो मतलब आपके स्वाइल किस स्टेज में है? जब आप तीन से पांच माला पे जा रहे हो तो स्वाइल किस स्टेज में है इट इज इन द ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज इट इज इन द ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज राइट तो अगर ये ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में है देखना सब लोग ध्यान से हमने वर्ल्ड रेशियो बनाया एक्सिस पे एंड लॉग ऑफ सिग्मा डैश हमने बनाया है एच एक्सिस पे नाउ, इफ आई ड्रॉ द कर्व, द कर्व इज नॉट लीनियर द कर्व इज नॉट लीनियर ये आपको क्या मिल रहा है कर्व मिल रहा है तो यहां पे हम क्या बना रहे लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश वॉइड रेशियो सम ई नॉट आप पहुंचा कहां तक रहे हो जब तक सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड ना हो जाए और वॉइड रेशियो हम यहां पर बोल रहे हैं क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक तो आपका ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए अगर आप कंप्रेशन कर बना रहे हो डेट्स वी कंप्रेशन कर तो वहां पे इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन इवन वेयर न्यूर यूजिंग द लॉग टर्म क्लियर है बात क्लियर है पॉइंट नाउ फ्रेंड ऑब्वियसली अगेन हम कर बनाए तो क्या बात करेंगे हम अगेन कर बनाए तो क्या बात करेंगे स्लोप की बात करेंगे सो स्लोप ऑफ रिकम्प्रेशन कर स्लोप ऑफ रीकम्प्रेशन कर इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिकम्प्रेशन इंडेक्स इसको हम बोलते हैं रिकम्प्रेशन इंडेक्स वी से दिस रिकम्प्रेशन इंडेक्स और कैसे दिया जाता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स कैसे दिया जाता है वी डी नोट इट एज डेल्टा ई डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश बाई सिग्मा नॉट डैश लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश बाई सिग्मा नॉट डैश इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल बोलोगे मेरे दोस्त तो अब ये जो सी आर वैल्यू है ये रफली अब ऑब्वियस सोच के देखना आपने जब अनलोड किया सोच के देखना प्लीज फोकस प्लीज़ फोकस करेंगे प्लीज फोकस करेंगे जब पांच से तीन पे आए तो क्या सोयल अपने नेचुरल स्टेट में आ गया होगा जब आप पांच से तीन पे आए मतलब पांच माला से तीन माले पे आए थे तो क्या वापस सॉइल उस स्टेट में आ गया होगा जब पहले तीन का लोड लगा होगा नहीं, नहीं उतना नहीं आया होगा है ना मतलब जब तुम तीन से पांच पे जाओगे मतलब तुम तीन माला से पांच माला पे कंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो उस स्टेज में उस स्टेज में मेरे दोस्त सोच के देखना क्या उस तरीके से कंप्रेशन होगा क्या उस तरीके से कंप्रेशन होगा क्योंकि सॉइल तो ऑलरेडी डेंसर हो चुका था जब ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात कर रहे हो तो ऑलरेडी सॉइल डेंस अवस्था में इट इज मोर डेंसर देन जब तीन का लोड एक्चुअल में लग रहा था जब सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड था तो ऑलरेडी तो जब वो डेंसर है अब अगर तुम लोड लगा रहे हो तो ऑब्वियस बात है ऑबवियस सी बात है उस स्टेज में मेरे दोस्त उस स्टेज में मेरे दोस्त जो कंप्रेशन होगा वो कम होगा मतलब सर जो रीकंप्रेशन इंडेक्स होने वाला है वो कंप्रेशन इंडेक्स से कम होने वाला है जो रीकंप्रेशन इंडेक्स होने वाला है वो कंप्रेशन इंडेक्स से क्या होने वाला है कम होने वाला है दैट मींस दिस रीकंप्रेशन इंडेक्स विल बी लेस और कितना लेस अराउंड 1/5 टू 1/10 ऑफ सीसी अराउंड 1/5 टू 1/10 ऑफ सीसी यहां तक कोई डाउट है किसी को तो अभी पूछोगे यहां तक कोई डाउट है किसी को अभी पूछोगे एनी वन हैविंग एनी डाउट नाउ प्लीज आस्क तब तक मैं पानी पी लेता हूं किसी को यहां पे कोई भी डाउट है अभी पूछोगे यार किसी को यहां पे कोई डाउट है अभी पूछोगे यार सारी बातें समझ में आ रही है सारी बातें समझ में आ रही है चलिए ओके क्लियर गुड गुड बढ़िया देखोगे यहां पे। अब मान लो अब जितनी भी बात हमने की है बैड लैंड से फाइव माला बनाया फिर उसको ब्रेक किया है ना सारी बात हम करने जा रहे हैं देखेंगे यार मल्टीपल स्टेज लोडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे बैरिंग लैंड से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बैर लैंड यहां पे लॉग सिग्मा का कर्व है और यहां वर्ल्ड रेशियो है हम स्टार्ट कर रहे जब कोई लोड नहीं लगा था कुछ वर्ल्ड रेशियो होगा देर वॉज अ बैर इन लैंड देर वॉज अ बैर इन लैंड नाउ आई अप्लाइड सर्ट लोड मैं अब कुछ लोड अप्लाई करने जा रहा हूं तो जब मैं लोड अप्लाई करने जा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो क्या होगा बढ़ेगा या कम होगा जब मैं कुछ लोड अप्लाई करने जा रहा हूं रेशियो क्या होगा बढ़ेगा या कम होगा टेल टेल मी मी टेल मी फर्स्ट वर्ड रेशियो कम होगा और ई वर्सेस लॉग सिग्मा का अगर कर बनाने जा रहे हैं अगर ई वर्सेस लॉग सिग्मा का कर बनाने जा रहे हैं तो मेरे दोस्त इट विल बी बिहेविंग एज अ नॉर्मली कंसॉलिडेटेड सॉइल यो यहां पे सॉइल अभी क्या है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल मानते हैं मानते हैं ठीक है तो हमने यहां पे क्या किया है लोडिंग किया है वी हैव लोडेड द सोइल तो हमने यहां पे लिख रहे हैं लोडिंग कोई डाउट नहीं आता कोई डाउट नहीं आता अब मेरे दोस्त मान लो जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया सबको आपने रिमूव कर दिया जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया सबको रिमूव कर दिया मतलब आपने क्या किया अनलोड कर दिया यू हैव अनलोडेड यू हैव अनलोडेड ठीक है यू हैव अनलोडेड द सॉइल तो अगर आप अनलोड कर रहे हो अगर आप अनलोड कर रहे हो तो हमने क्या बोला अनलोड कर तो दिया लेकिन सॉइल वापस अपने अवस्था में नहीं पहुंचेगा आपको वॉइड रेशियो कम मिलेगा सॉइल डेंसर मिलेगा मतलब सॉइल वापस अपने पोजीशन पे नहीं आया मतलब सॉइल वापस अपने पोजीशन पे नहीं आया सो दिस इज योर अनलोडिंग दिस इज योर अनलोडिंग आपका क्या हुआ अनलोडिंग हुआ ये आपका अनलोडिंग हुआ यू हैव अनलोडेड द स्वाइल यू हैव अनलोडेड द स्वाइल ठीक है सर अब आगे बात करेंगे तो यहां पे जो आपको वॉइल्ड रेशियो मिला है वो पहले वाले से क्या होने वाला है कम होने वाला है क्यों कम होने वाला बिकॉज सोयल क्या हो गया है डेंसर हो गया बिकम डेंसर अगला बात करते मेरे दोस्त यू स्टार्ट लोडिंग तो अब जब तुम लोड लगा रहे हो वापस से तुम लोड लगा रहे हो तो सोच के बताना अब तुम वापस से अगर लोड लगा रहे हो सोच के बताना आप लोग क्या सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में होगा नाउ इफ यू आर अप्लाइंग द लोड अब वापस से कंस्ट्रेशन शुरू कर रहे हो तो क्या अब जो सॉइल होने वाला है वो ओवर कंसोलिडेशन स्टेज में होगा क्या यस yes. और अगर ओवर कंसोलिडेशन स्टेज में होगा तो मेरे दोस्त द वेरिएशन विल नॉट बी लीनियर द वेरिएशन विल नॉट बी लीनियर राइट जो वेरिएशन होने वाला है वो लीनियर नहीं होने वाला है हम मान लेते हैं देर विल बी स्मॉल डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला उस पॉइंट पे पॉसिबल होता है स्मॉल डिफरेंस आएगा स्मॉल डिफरेंस आएगा बस आपको दिखाने के लिए इतना किया तो ये जो पार्ट है दिस इज वॉट दिस इज योर रीलोडिंग दिस इज योर रीलोडिंग ठीक है ना ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये आपका कौन सा पार्ट है दिस रीलोडिंग कर एंड देयर आफ्टर माई डियर फ्रेंड हम आगे लोड कर रहे हैं तो अगेन स्वाइल आपको किस स्टेट में मिल रहा है सोयल आपको किस स्टेट मिल रहा है यू आर सींग केस ऑफ द नॉर्मली कंसोलिडेशन स्टेज ठीक है ये आपका ओवर कंसोलिडेशन स्टेज था तो ऑब्वियसली बात है जब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो वेरिएशन है वो क्या होगा सीसी होगा यहां क्या होगा सीसी होगा यहां क्या होगा सीआर होगा क्लियर है यहां तक बोलो मेरे दोस्त सो मल्टीपल स्टेज लोडिंग किसी को कोई डाउट अभी पूछेगा मल्टीपल स्टेज लोडिंग किसी को कोई डाउट अभी पूछेगा है ना चलो क्लियर है यहां तक एनी वन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं सर लेट्स मूव ऑन सो मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज टेरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज टेरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन तो टेरजागी साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन अ डिवाइस रिफर्ड एज ओडोमीटर ने डिवाइस रिफर्ड है ओडोमीटर और उस ओडोमीटर डिवाइस में चेक किया कि पानी का मतलब जो पोर वाटर प्रेशर उसमें कितना बदलाव आता है ठीक है राइट right. सो so, मतलब सेकेंड स्टेज ऑफ लोडिंग में हमने लोड प्रीवियस कंडीशन से भी इंक्रीज हाँ एकदम एकदम इंक्रीज कर दिया बेटा तभी तो हम आगे बढ़ गए रीलोडिंग के बाद के जाएगा एनसीएस में सर एकदम रीलोडिंग कर दिए जहां पे आपने पहले लगाया तो वहां तक पहुंच गया फिर वो एनसीएस में चला गया ठीक है चलो अब देखो यहां पर टेरजागी थ्योरी ऑफ कंसॉलिडेशन तो भाई थ्योरी है तो क्या होगा एजम्शन होगा अगर थ्योरी है तो क्या होगा एजम्सन होगा तो so, पहला एजम्शन क्या बोला द फ्लो इज वन डायमेंशनल ना वेन रिफर टू वन डायमेंशनल इट रिफर्स टू द वर्टिकल फ्लो आइदर अप और डाउन तो जो फ्लो होने वाला है वो फ्लो आपको क्या मिलने वाला वर्टिकल राइट यह माना गया कि आइदर द पार्टिकल द वॉटर मॉलिक्यूल्स विल मूव अपवर्ड और इट विल मूव डाउनवर्ड हम ये नहीं माने कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है सेकेंड बोला वॉल्यूम बदलाव आएगा वॉल्यूम बदलाव आएगा लेकिन वॉल्यूम में जो बदलाव आने वाला है वो बदलाव आना ड्यू टू चेंज इन डेप्थ हाइट में ही बदलाव होगा जैसे कहने का मतलब है अगर मान लीजिए ये पार्ट है ठीक है एरिया ए है हाइट एच है अगर आपने लोड लगाया और सॉइल कंसोलिडेट हो रहा है तो आपको क्या दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है एरिया उतना ही है एरिया उतना ही है एरिया उतना ही है लेकिन बदल क्या गया हाइट बदला तो यही बात बोल रहा है कि हमने ये माना है कि एरिया में कोई बदलाव नहीं है जो भी बदलाव हो रहा है किसमें हो रहा है हाइट में हो रहा है क्लियर है बात क्लियर है बात चलिए सर देखेंगे यहां पे अगला बोल रहा है, तो है। आप तभी पानी का निकलना बाहर देख रहे हो स्वयल सैचुरेटेड फ्लो इज फ्लो का क्या हैमोजीनस है। आइसोटॉपिक है। सारे एजम्शन डार्सी तो के लग रहे ये सारे एजम्शन तो डार्सी के लग रहे ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्शन हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रो डायनामिक लैग इज कंसिडर्ड एंड प्लास्टिक लैग इज नेग्लेक्टेड सर मैंने क्या बोला था लैग मतलब क्या होता है कमी लैग मतलब क्या होता है कमी हाइड्रोडायनमिक रेफर टू वॉटर वाटर की कमी को कंसिडर कर रहे बट प्लास्टिक लैग अभी प्लास्टिक लैग किसको बोल रहे प्लास्टिक री एडजस्टमेंट ऑफ द सोल सॉलिड्स ठीक है आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कंसोलिडेशन में दो पार्ट है एक है प्राइमरी कंसोल्टेशन एक वाटर बाहर निकलता है तो वाटर का बाहर निकलना मतलब उसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोडायमिक लैग सेकेंडरी कंसोल्टेशन में वॉल्यूम बदलता है ड्यू टू री एडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड्स राइट इसको हम बोल रहे हाइट आपका कौन सा लैग प्लास्टिक लैग तो मेरे दोस्त हमने क्या बोला हाइड्रोडायनिक लैग इज कंसिडर्ड हाइड्रोडाइनमिक लाएगी मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंसिडर्ड ठीक है एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नेग्लेक्टेड ये बात सबको समझ में आ गई ये बात सबको समझ में आ गई बोलोगे यार इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल तो ये अजम्पन आपको यूज होते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव लगाते हो जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तब आपको मतलब हो सकता है एमएसपी में हो सकता है का आ बस कि भैया तो डी चार ऑप्शन होंगे ठीक है दिस थ्योरी नॉट फॉर नॉट देयर इधम होगा क्यों नहीं होगा चलिए सो लेट सी थ्योरी फॉर कंसोलिडेशन अब हमने बात कर लिया अब इक्वेशन पे बात करते हैं तो टेरजागी साहब ने क्या बोला कि भाई देखो हमने क्या देखा था पोर वाटर प्रेशर में चेंज देखा था ओडोमीटर में सो डेल यू बाई डेल टी डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज गिवन बाई सी इनटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड टू ठीक है जो पोर वाटर प्रेशर का चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ अगर उसका डेली डबल डेरिवेटिव कर दे तो उससे प्रोपोर्शनल था अब देखोगे यहां पे ये सब बात की बात है मेरा मेन मुद्दा यहां पे सीवी है मुद्दा यहां पे सीबी है व्हाट इज सीबी व्हाट इज सीवी सीवी सीबी है क्या व्हाट इज द सीबी सीवी स्टैंड्स फॉर सीवी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। सीवी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। नाउ दिस सीवी इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज के बाई एम वी गामा डब्ल्यू के बाई एम बी गामा डब्ल्यू आपको याद होगा ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको परम्यूबिलिटी में दिया होगा आपको याद होगा मैंने आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला परम्यूबिलिटी में दिया था याद है मेरे दोस्त यस yes? तो अब यहां पे व्हाट इज के परम्यूबिलिटी एम वी क्या है व्हाट इज एम बी एम बी स्टैंड फॉर को ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमबी स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी राइट कैन एनी वन मी द फॉर्मूला ऑफ एमबी कैन एनी वन मी द फॉर्मूला ऑफ एम बी माई डियर फ्रेंड एमबी बराबर एमबी बराबर एनी वन देखो एमबी बराबर क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश जब आप डेल्टा सिग्मा डैश का चेंज कर रहे हो तो उसमें वॉल्यूम में कितना बदलाव आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम डेट इज योर एमबी क्लियर है बात डैट इज योर एमबी डैट इज योर एमबी ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे अब देखेंगे आगे सो so, ये हो गया आपका कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इसको हम क्या बोल रहे हैं ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्लियर है मेरे दोस्तों अब कुछ बातें सीखना चाहोगे कुछ डेरिवेशन देखना चाहोगे बिकॉज दिस डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेशन जब देने जा रही है डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है राइट लेट्स लुक एट दिस डेरिवेशन माई डर फ्रेंड देखोगे लेट एस से एट टाइम टी बराबर जीरो एट टाइम टी बराबर जीरो द हाइट ऑफ द सैंपल इज एच द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए वर्ड रेशियो इज ई नॉट क्लियर है बात दिस इज एट टाइम टी बराबर जीरो नाउ यू अप्लाइड द सडन लोड आप देख रहे हो आज मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आज बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं यस और नो आज बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त तो आपने क्यू अमाउंट का सडन लोड लगाया अप्लाई क्यू अमाउंट ऑफ सडन लोड तो आपने जब ये सडन लोड लगाया है तो इस सडन लोड के कारण क्या होगा पानी बाहर निकलेगा और जब पानी बाहर निकलेगा वॉल्यूम कम होगा और टेरजागी लॉ के अनुसार ये जो वॉल्यूम चेंज होगा दैट इज ड्यू टू द चेंज इन एरिया नहीं बदलेगा तो एरिया एज इट इज रह गया आपका हाइट बदला कितना बदला डेल्टा एच बदला मान लो ये एच डैश बोल दे रहे हैं और वर्ल्ड रेशियो हम क्या बोल रहे हैं इस अवस्था में ई डैश वर्ल्ड रेशियो हम इस अवस्था में क्या बोल रहे हैं ई e'. डैश टी बराबर टी मतलब हम बोल रहे हैं कौन सा पॉइंट है दिस इज द एंड ऑफ कंसोलिडेशन एंड ऑफ कंसोलिडेशन जब कंसोलिडेशन हम बात कर रहे हैं यहां पे हम बात किसका कर रहे हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं यहां पे हम बात किसका करें वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी कंसोल्टेशन क्लियर है यहां तक अब देखो यहां पे। मेरे दोस्त फोकस करेंगे फोकस करेंगे अगर हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा बी बाई बी डेल्टा बी बाई बी ठीक है या ऐसे लिख चलते हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते पहले आपके लिए अगर आप एट इंस्टेंट टी बराबर जीरो बात कर रहे हो और वॉल्यूम की बात कर रहे हो एट इंस्टेंट टी बराबर जीरो बात कर रहे हो वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो v1 वन बराबर आप क्या लिखोगे v1 वन बराबर लिखोगे a इंटू एच यही लिखोगे एट टाइम t बराबर जीरो आपका जो वॉल्यूम होने वाला है दैट इज इंटू एच नाउ एट समाइम टी बराबर टी दैट इज द एंड ऑफ द कंसोल्टेशन अगर मैं वॉल्यूम बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या है अगर मैं वॉल्यूम बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या है दैट इज नथिंग बट ए इंटू एच डैश दैट इज नथिंग बट ए इंटू एच डैश राइट चलिए नाउ माई डियर फ्रेंड अगर मैं वॉल्यूम चेंज बात करता हूं डैट इज डेल्टा बी तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू एच माइनस एच डैश डैट इज नथिंग बट ए टाइम्स डेल्टा एच होगा क्या मेरे दोस्त होगा क्या मेरे दोस्त होगा होगा अरे बोलो होगा क्या तो अगर ऐसा हुआ तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया क्या बन गया सर डेल्टा बी बाई बी डेल्टा बी बाई बी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच बोलो होगा क्या डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच होगा क्या यस नाउ माय डियर फ्रेंड वॉल्यूम अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टाइम्स वन प्लस ई नॉट बोल सकता हूं क्या टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टाइम्स वन प्लस ई नॉट बोल सकता हूं क्या बिकॉज दैट इज एट टाइम टी बराबर जीरो मेरा कंप्रेशन होने के कारण क्या सॉलिड के वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा कंप्रेशन होने के कारण क्या सॉलिड के वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा बोलोगे नहीं पढ़ने वाला तो अगर नहीं पढ़ने वाला तो क्या v2 टू बराबर वी एस टाइम्स वन प्लस ई डैश वन प्लस ई डैश कर सकते हैं क्या बोलोगे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या टेल मी टेल मी फास्ट मी फास्ट यस तो अगर ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त तो डेल्टा वी बराबर वी एस ये माइनस माइनस क्या हमको यहां पे डेल्टा ई मिल रहा है क्या क्या मेरे को वीएस टाइम्स डेल्टा ई मिल रहा है क्या बोलोगे और अगर ऐसा मिल रहा है तो डेल्टा वी बाई वी बराबर डेल्टा ई अपॉन ये वी वन की बात करें मेरे दोस्त तो वन प्लस नॉट मिल रहा है क्या बोलो बोलू 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 वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्लियर है कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको भी नहीं पता इसमें स्टार मारेंगे कैसे स्टार मारते स्टार मारने का तरीका बदलते हैं हाँ ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई चलिए अब देखेंगे आगे अब देखेंगे आगे अब मेरे दोस्त हमारे पास ये फॉर्मूला है हमारे पास ये भी फॉर्मूला है है ना तो एम बी बराबर डेल्टा बी बाई B को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश बोलो लिख सकते हैं क्या अभी जस्ट हमने डेराइव किया है अभी जस्ट हमने डेराइव किया देखो है ऐसा लिख रहे हैं तो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश इन टू वन बाई वन प्लस ई नॉट मेरे दोस्त ये जो डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश है इसी को तो हम ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। इसी को तो हम क्वेफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। बोलो हाँ ना ड मीन्स योर एम वी विल बी इक्वल टू एवी अपॉन वन प्लस ई नॉट टेल मी माय डियर फ्रेंड सर एक एक बात जहां लग रहा है डेरिवेशन डेराइव कर रहा हूं जहां लग रहा है डायरेक्ट देना है डायरेक्ट फॉर्मुला दे रहा हूं लेकिन सर कोई ऐसा बात नहीं है जो आपको समझा नहीं रहा हूं इज नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट मैंने क्या बोला सर ये नाम का क्रैश कोर्स है ये बात सच हो रहा है कि नहीं मैंने जो बात बोला था ये नाम का क्रैश कोर्स है सर ये कितने बड़े बड़े कोर्सेज के ऊपर जा रहा है आप समझ ही नहीं रहे हो ये सिर्फ नाम का क्रैश कोर्स है ठीक है चलो नुम्स कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं एक एक चीज कर रहे हैं हम लोग है ना देखो यहां पर क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक बस एक चीज आप नहीं कर रहे हो नोट्स नहीं बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अगर नोट्स बनाने गए तो क्या इतना कंटेंट हम कर पाएंगे अगर हम नोट्स बनाने गए तो क्या हम इतना कंटेंट कवर कर पाएंगे सोच के देखना पॉसिबल है अगर हम नोट्स बनाने चले गए तो इतना हम कंटेंट कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है तो उसके लिए आपको पीडीएफ प्रॉपर पीडीएफ मिल रहा है ना प्रॉपरली सबको पीडीएफ प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अरे बोलोगे आर एवरी वन गेटिंग द पी डी एफ प्रॉपर्ली और नो सबको पीडीएफ प्रॉपर्ली आपके ऐप आप पे मिल जा रहा है ना डाउनलोड कर ले रहे हो ना वहां से आज आपको कोई डीपीपी नहीं जाने वाला है टूडे देर इज नो डीपीपी कल आपको डीपीपी गया था आज आपको कोई डीपीपी नहीं जाएगा पूरा कंसोल्टेशन खत्म होगा तब जाएगा ठीक है एप्टीट्यूड का नहीं मिल रहा ठीक है हम बात कर लेंगे मिल जाएगा टेंशन नहीं लेने का चलो जब सर है यहाँ पे तो टेंशन क्यों लेना देखो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड लेट्स लुक कुछ फॉर्मूलाज है जो एक जगह कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज है जो एक जगह कर लेते हैं और उसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं ठीक है जैसे अगर एवी का हमने बात किया तो हमने क्या बोला अगर हमने एवी का बात किया तो हमने क्या बोला डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश अगर हम सीसी का बात करें तो क्या बोलेंगे डेल्टा ई बाई लॉग ऑफ सिग्मा टू डैश बाई सिग्मा वन डैश अगर हम सी का बात करें तो क्या बोल रहे डेल्टा ई बाई लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश सिग्मा नॉट डैश अगर हम सीवी का बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं के वाई एम वी गा डब्ल्यू अगर हम एम बी बोल रहे तो हम क्या बोल रहे हैं ए वी पॉन वन प्लस ई नॉट यह फॉर्मला हमको याद रखना है सो so, हमेशा याद रखना क्विशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मतलब एवी कोट ऑफ कंप्रेशन मतलब सी सी रिकम्प्रेशन मतलब सी आर कंसोल्टेशन मतलब सी बी क्विशन ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी मतलब एम बी ये तो आपको सिंबल दिमाग में होना ही चाहिए अगर सिंबल दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे ठीक है ना ठीक है भाविक मैं बता दूंगा बेटा डोंट वरी गिव मी टाइम टिल टुमारो आई विल इन्फॉर्म यू ठीक है मेरे को कल तक का समय दो मैं क्लियर करवा दूंगा ठीक है कोई डिलीट नहीं होता है कोई डिलीट नहीं होता सारे मैं कल तुमने जब ये बात बोला ना विकास आई वेंट एंड चेक ली मेरे को एक एक चीज मिला है फालतू की बात मत बोलो डिलीट हो जाता है कुछ डिलीट नहीं होता है ठीक है चलो करवा देंगे यहां पे, तो अब यूनिट पे बात करें तो मान लो जो सिग्मा के यूनिट हम लिखने जा रहे हैं डेट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेटस्ट से या चलो इसी को यूज करते हैं या लेटेस्ट से एस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेटे हम ये लेने जा रहे हैं हाँ सर बताएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या लिखोगे डेल्टा ई e का कोई यूनिट नहीं होगा यहां पे क्या हो गया एम स्क्वायर पर न्यूटन है ना या आपका इसका बनेगा मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन विल देयर बी एनी यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन विल देयर बी यूनिट नो सर नो यूनिट नो यूनिट डायमेंशन लेस नो यूनिट डायमेंशन लेस राइट अगला बात कर रहे हैं बी पकड़ के देख लो मान लो के आपने लिया मीटर पर सेकेंड ठीक है एम बी आपका अच्छा एमबी निकाल लेते हैं एम बी बराबर ए बी अपॉन वन प्लस की नॉट है तो ये भी आपका क्या हो गया एम एम स्क्वायर पर न्यूटन हो गया क्या जो यूनिट जो यूनिट कंप्रेसिबिलिटी का होगा वही यूनिट ट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का होगा है ना चलिए सर अब यहां पे मान लो मीटर में रखते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मान लो ले लेते हैं गामा क्या हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया तो कैंसिल किया जाए तो मीटर स्क्वायर ये कैंसिल कर दिया मीटर ऊपर चला गया मीटर ऊपर चला गया न्यूटन न्यूटन चला गया तो ये वैल्यू क्या हो गया या तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या एम स्क्वायर पर सेकेंड यही कुछ आ रहा होगा यस यसर नो अर्रे बोलेगा इज इट क्लियर तो यूनिट सबका क्लियर है भाई लोग यूनिट सबका क्लियर है क्या यूनिट सबका क्लियर है क्या लास्ट में वॉल्यूम लिखना भूल गए कहां पे अच्छा यहां पे कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी चलिए ठीक है क्लियर है भाई तो ये सारा आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है टेंशन लेने का नहीं है अरे बाबा आपको सिर्फ पढ़ना है आपको सिर्फ मेहनत करना है रिजल्ट आपके साथ होगा है ना चलो 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 तो अब टाइम आ गया क्या चीज का मोटिवेशन का एक घंटा पढ़ लिए ना तो मोटिवेशन तो बनता है भाई है ना एक घंटा पढ़ लिए मोटिवेशन तो बनता है ना एकदम बनता है क्या बोलता है आज का मोटिवेशन

उसका बेस्ट चीज यूटिलाइज करने की कोशिश करो है ना ट्राई टू यूटिलाइज द बेस्ट पार्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव एवरीवेयर आज आप बहुत लोग क्या होता है सर मैं उस सिचुएशन में मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है सर मैं उस सिचुएशन में मैं काम कर रहा हूं मैं जॉब कर रहा हूं मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं मैं सर पास आउट हो चुका हूं बहुत सारे प्रेशर्स हैं देखो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम आते रहेगी लेकिन मेरे दोस्त उस प्रॉब्लम से तभी निकल पाओगे जब तुम हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से हो तुम कोई भी सिचुएशन में हो अगर तुम ये देख लो क्या वहां पे बेस्ट है हम वहां से बेस्ट क्या निकाल सकते हैं यू आर ऑन द ट्रैक अब कहीं भी हो ट्राई टू टेक पॉजिटिव फ्रॉम डैट वहां पे बेस्ट क्या है वहां से क्या हम सीख सकते हैं अगर तुम जीवन में ये बना लिए ना तो जीवन में कभी नहीं हारोगे लेकिन पॉजिटिव होना जरूरी है जो चीज आप जहां भी हो वहां से पॉजिटिव चीज लेने की कोशिश करो वहां से पॉजिटिव माइंडसेट लेने की कोशिश करो जो अच्छे लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करो देखो बहुत बार क्या होता है ना आप लोग कंपटीशन से डरते हो बहुत बार क्या होता है आप कंपटीशन से डरते हो और उस सिचुएशन में आपने देखा होगा जो लोग कंपटीशन से डरते हैं उनके जो आसपास जो दोस्त होंगे ना वो वैसे दोस्त बनाएंगे जो उनसे बढ़िया ना हो हमेशा ही बात ध्यान देना हमेशा ही बात देना जो आसपास के उनके दोस्त होंगे ना वो हमेशा वैसे होंगे जो उनसे बढ़िया ना हो ताकि वो मेरे को कॉम्पिटिशन में मेरे से ऊपर ना दिखे लेकिन जब भी तुम किसी टॉपर को देखोगे या जब भी तुम वैसे लोगों को देखोगे जो टॉप रैंक्स लाते हैं हमेशा वो दोस्ती वैसे करते हैं जो उनसे एक लेवल ऊपर हो क्योंकि उनसे उनको सीखने को मिलता है उनसे उनको कंपटीशन का फीलिंग आता है बात समझ रहा है क्या तो हमेशा बोलते हैं कि उन लोगों से दोस्ती करो जिन लोगों से आप जिंदगी में कुछ सीख सकते हो उन लोगों को अपना ग्रुप सर्किल में डालो जिन लोगों से अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए पॉइंट सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो ठीक है माई डियर फ्रेंड ऑलवेज फोकस ऑन दिस थिंग है ना दोस्त ऐसा बनाओ जो तुम्हारी को कॉम्पिटिशन में मदद करे हाँ फीलिंग आएगा बहुत बार कि यार वो मेरे से ज्यादा बढ़िया कर रहा है लेकिन तुमको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेटर कर सकते हैं अगर आप सिंपल बात है ना आप अगर 50 नंबर ला रहे हो बाकी 40 आ रहे हैं मेरा तो 50 आ रहा है बाकी का 40 आ रहा है कोई टेंशन ही नहीं है बाबा है ना लेकिन मेरे दोस्त लेकिन मेरे दोस्त अगर तुम्हारे पचास आ रहा है दूसरे का सत्तर आ रहा है तो तुम्हारे पास एक जुनून होना चाहिए कि मेरे को पचास से ऊपर लाना है क्योंकि भाई आगे वाला सत्तर ला रहा है उसका एग्जाम में ज्यादा नंबर आ सकता है तो डैट शुड बी योर मोटिवेशन क्लियर है एकदम रोशन होगा चलिए सर लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट है ना क्लियर है भाई अरे क्लियर है तो अगर मजा आया तो चैट सेशन लाल हो जाए रे बाबा अगर मजा आया तो चैट सेशन लाल हो जाए यस yes? एकदम चलो 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 ओके okay, लाइक like और शेयर कर दिया ना सब लोगों ने ओके okay, देखेंगे यहां पे सो नाउ आई एम डोइंग टू टॉक अबाउट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन माय डियर फ्रेंड कंसोलिडेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस

आपने आप कितना कंसोलिडेट कर दिए हो उसके बारे में बात हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो है ना एक यूपी वाले बंदे हैं यूपी वाला बंदा लखनऊ गया हुआ था वो मतलब दिल्ली गया था लखनऊ जा रहा है या मान लो चलो पटना आ जा रहे हो मान लो पटना आ रहे हो तो पटना आने में पटना आने में बीच में बहुत सारे रास्ते आएंगे यूपी आएगा है ना दिल्ली से पहले यूपी में इंटर करोगे यूपी से पटना होगे है ना यूपी से बिहार में इंटर करोगे पटना पहुंचोगे तो बीच में बहुत सारे स्टॉप्स होंगे होंगे कि नहीं तो भैया दिल्ली तुम्हारा स्टार्ट ऑफ कंसोल्टेशन है पटना इज द एंड ऑफ द कंसोल्टेशन अगर मान लो तुम्हारा ट्रेन रुका हुआ है अलाहाबाद में तो क्या आपने पूरी जर्नी खत्म कर ली है क्या कुछ पार्ट ऑफ जर्नी खत्म की है सुनना बात को ध्यान से दिल्ली है अलाहाबाद है पटना है दिल्ली से अलाहाबाद आप जा रहे हो तो सत्तर साठ परसेंट अपना जर्नी कवर कर लियो अलाहाबाद से पटना आ रहे हो तो चालीस परसेंट जर्नी आपका कवर होगा ठीक है ना so, हम बोल रहे हैं दिल्ली पटना इज द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन और अलाहाबाद जो है हम यहां पे पूछना चाह रहे हैं वॉट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर इलाहाबाद तक आप पहुंच चुके हो तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना परसेंट जर्नी खत्म कर लिया है दैट इज डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन हाँ भाई ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हम रिमेनिंग बात कर रहे हैं कि जितना हो गया उसकी बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन का मतलब क्या है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द अल्टीमेट कंसोल्टेशन जो हो चुका है एट एनी टाइम टी बहुत एग्जाम में गलतियां होती हैं यहां पे पूरे जर्नी का पूरे कंसोलिडेशन का कितना पार्ट कवर हो गया है एट एनी टाइम टी वो बता रहा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब अगर इस एग्जाम्पल से जाए अगर इस एग्जाम्पल से जाए तो मेरा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना हुआ अगर हम इस एग्जाम्पल से जाए तो मेरा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना हुआ बोलोगे यार इफ आई गो दिस एग्जाम्पल वट विल बी माई डिग्री ऑफ कंसॉलिडेशन साठ परसेंट क्लियर है सबको बात अच्छा अब अगर ये बात क्लियर है तो कुछ फॉर्मूला में चाहूंगा तुम बताना अगर ये बात क्लियर है तो मैं चाहूंगा कुछ फॉर्मूला तुम बताना ठीक है ना एट द स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन ठीक है देर वॉज जीरो सेटलमेंट राइट कोई सेटलमेंट नहीं था जब पूरा सेटलमेंट हो गया मतलब पूरा कंसोल्टेशन हो गया तो टोटल सेटलमेंट आपका एस है एट एनी टाइम टी सेटलमेंट इज ऐसा तो अगर मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन हम इसको डिनोट करते हैं यू से तो यू बराबर क्या बोलेंगे यू बराबर क्या बोलेंगे इनिशियल सेटलमेंट वॉज जीरो है ना? आप यूपी से हैं, बिहार से वो तुम पहचानो हम कहां से है हाँ भाई इनिशियल सेटलमेंट जीरो था तो हम डिफरेंस लिख रहे हैं एट एनी स्टेज जो डिफरेंस आया वो एस आई माइनस जीरो है जब टोटल सेटलमेंट एंड ऑफ द कंसोलिडेशन बात करो तो क्या लिखोगे एस माइनस जीरो मतलब ये वाला पार्ट हटा दे हम तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में यहां पे ये चीज छुपा हुआ था ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन is वॉट सेटलमेंट एट एनी टाइम टी अपॉन टोटल सेटलमेंट मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड परसेंट मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड परसेंट किसी को इस पार्ट में कोई डाउट है क्या किसी को इस पार्ट में कोई डाउट है क्या बोलोगे यार क्लियर होना चाहिए अब अगला है पोर वाटर प्रेशर सोच के देखना आप पानी को ही निकालना चाह रहे हो सुन के सोच के बताना आप पानी को ही बाहर निकालना चाह रहे हो ना और नो सही बात है तो एट द स्टार्ट ऑफ कंसोल्टेशन आपका पोर प्रेशर दिया हुआ है वट विल बी द पोर वाटर प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन? वट विल बी द पोर वाटर प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन? यस जीरो शून्य मतलब मेरा कंसोलिडेशन होने में पोर प्रेशर में कितना चेंज आएगा जब मेरा कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा तो मेरे पोर्ट प्रेशर में कितना चेंज आएगा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड मेरे पोर्ट प्रेशर में कितना बदलाव आया यू आई माइनस जीरो इनिशियल माइनस एंड दीरो और अगर हम किसी टाइम टी पे बात कर रहे हैं और उस समय मेरा पोर्ट प्रेशर यू है तो चेंज कितना आया यू आई माइनस यू तो अगर हम यहां पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बात कर रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं यू आई माइनस यू अपॉन यू आई माइनस जीरो मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड परसेंट टू गेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यस और नो तो यहां पर जी, जीरो छुपा हुआ है यह बात आपको पता होना चाहिए यह बात आपको पता होना चाहिए इज इट क्लियर इज इट क्लियर चलो अब अगर ये क्लियर है नेक्स्ट वर्ल्ड रेशियो मैं नहीं बताऊंगा तुम बताओगे आई विल नॉट टेल यू विल टेल

वेरी गुड वैब वेरी गुड क्या बात है एट एनी टाइम टी के लिए अगर डिफरेंस बात कर रहे तो ई नॉट माइनस ई अगर एंड में बात कर रहे हैं तो ई नॉट माइनस ई हंड्रेड एंड दिस मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड परसेंट सर इतना डिटेल में जाने का क्या पर्पस रहा इतना डिटेल में बताने का क्या पर्पस रहा क्यों मैंने एक एक बात बताई है क्यों मैंने एक एक बात बताई है क्या कारण है कारण यह है आई डोंट वॉन्ट यू टू मग अप ये फॉर्मूला रटने वाला नहीं है दिस फॉर्मूलाज नॉट टू मग अप एवरीथिंग है ना ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट है कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है आपको पता है कैसे आया आपको रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल बोलोगे मेरे दोस्त सो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सबको समझ में आ गया डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सबको समझ में आ गया यस yes? चलिए सर अब अगला बात करते हैं हम लोग मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टीवी टाइम फैक्टर इट्स अ फैक्टर देखो हमने क्या बोला हमको डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन क्या बता रहा है हमको डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन क्या बता रहा है हा भाई डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन को बता रहा है कि कितना टाइम मतलब कितना परसेंट कंसोल्टेशन हो गया ठीक है सर हमने यह बताया कितना परसेंट कंसोलिडेशन हो गया अब अब मेरे को एक फैक्टर डिफाइन कर रहा हूं जो बताएगा कि इस टाइम में कितना कंसोलिडेशन हुआ अगर 60 परसेंट कंसोलिडेशन है तो 60 परसेंट कंसोलिडेशन कितने टाइम में होना चाहिए या 40 परसेंट कंसोलिडेशन कितने टाइम में होना चाहिए यह बात आप करने जा रहे हम लोग तो यह कौन बताएगा यह कौन बताएगा यह बताएगा टीवी तो टीवी इज अ फैक्टर विच रिलेट्स द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टू द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दैट कंसोलिडेशन। मतलब सर यहां पे जो हम टाइम मेंशन करेंगे वो दिल्ली से अलाहाबाद वाला है या अलाहाबाद से पटना वाला है बोलोगे यहां पे जो हम टाइम मेंशन करेंगे वो दिल्ली से अलाहाबाद वाला है या अलाहाबाद से पटना वाला है सूरज अगर आपको नहीं समझ में आया है आप रिकॉर्डेड देख सकते हो क्योंकि हम बहुत फ्लो में आराम से पढ़ा रहे हैं ठीक है यस दिल्ली टू अलाहाबाद वाला है ठीक है अलाहाबाद से पटना वाला नहीं है यही तो प्रॉब्लम है यहीं पे गलती करके आते हो एग्जाम में और वो पूछता जान मुझके सही है मैंने क्या बोला व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब है कि भैया मेरे इस समय तक कितना कंसोलिडेशन हुआ तो जब समय हम रिलेट कर रहे हैं तो किससे रिलेट करेंगे कि वहां तक तो पहुंचने में कितना टाइम लगा क्लियर है बात क्लियर है पॉइंट ये बात समझ में आया कि नहीं आया ये बात समझ में आया कि नहीं आया तो यहां पे गलती मत करना एग्जाम में यहां पे मिस्टेक होता है आपसे यहां पे आपसे मिस्टेक होता है प्लीज फोकस करेंगे सो टाइम फैट इज अ फैक्टर विच रिलेट द डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन टू द टाइम रिक्वायर टू अचीव दैट कंसोल्टेशन ठीक है अब देखें यहां पर तो मेरे दोस्त आपस फैक्टर है टीवी टीवी बराबर क्या लिख रहे हैं सीवी इंटू टी बाई डी स्क्वायर जहां पे मेरे दोस्त सीवी आपका क्या हो गया अभी जस्ट हमने बताया था व्हाट इज सीवी सीवी स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ठीक है अगला बात कर रहे हैं टी टी क्या हो गया टाइम रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ठीक है बात और लास्ट हम बात करें क्या डी सो व्हाट इज डी डी स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या होता है एक एक करके बताएंगे डी स्टैंड लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ ठीक है बात मेरे दोस्त डी स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ ठीक है अब देखो यहां पे. तो मेरे दोस्त हमने टीवी और टी को यहां पे बता दिया हमने यहां पे क्या बता दिया टीवी और टी को बता दिया बता दिया ना लेकिन हमने क्या बोला टीवी और किसको लिंक कर रहा है टीवी और किसको लिंक कर रहा है डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन को लिंक कर रहा है मतलब एक रिलेशन टीवी और यू में भी होना चाहिए मतलब टीवी और डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन में भी एक लिंक होना चाहिए था यस और नो देखो यहां पे सो टीवी बराबर टीवी बराबर फाइव बाई फोर यू स्क्वायर टीवी बराबर फाइव बाई फोर यू स्क्वायर वेन यू When यू इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट सिक्स जब यू लेस देन इक्वल टू पॉइंट सिक्स है मतलब पॉइंट सिक्स मतलब कितना हुआ साठ परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो अगर साठ परसेंट या उससे कम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हुआ है तो उस समय टीवी बराबर हम क्या लिख रहे हैं पाई बाई फोर यू स्क्वायर उस समय हम टीवी बराबर क्या लिख रहे हैं पाई बाई फोर यू स्क्वायर अगर यू ग्रेटर देन पॉइंट सिक्स है तो उस केस में टीवी बराबर क्या लिखते हैं माइनस माइनस यस एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है मेरे दोस्त एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है माइनस माइनस आता है आपको याद होगा अगर मैंने आपको कराया होगा अगर आपको याद हो सो माइनस पॉइंट जीरो एट फाइव वन माइनस अ कॉन्स्टेंट इनटू लॉग ऑफ वन माइनस यू जहां यू आप रेशियो में रखोगे जहां यू आप रेशियो में रखोगे माइनस पॉइंट नाइन थ्री थ्री टू इंटू लॉग ऑफ माइनस यू और दूसरा आपका माइनस पॉइंट जीरो एट फाइव वन ठीक है अब मेरे दोस्त अगर आपको फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड नहीं याद है एग्जाम में मोस्टली आपको दिया रहता है <coughs> सॉरी एग्जाम में मोस्टली आपको दिया रहता है ठीक है माइनस पॉइंट जीरो एट फाइव वन माइनस पॉइंट नाइन थ्री थ्री टू लॉग ऑफ वन माइनस यू ठीक है अब यहां पे दो टीवी हमको पता होना चाहिए एक हमको टीवी चाहिए फॉर फिफ्टी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एक हमको टीवी चाहिए फॉर नाइनटी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ये दो टीवी हमको पता होना चाहिए तो टीवी फिफ्टी कितना होगा वैल्यू जल्दी से बताएंगे इज द वैल्यू फॉर टीवी फिफ्टी वट इज द वैल्यू फॉर टीवी फिफ्टी यस T.V. फिफ्टी का वैल्यू बताओगे मेरे दोस्त TV 50 के लिए कौन सा फॉर्मूला जाएगा ऊपर वाला जाएगा so, ये आ गया आपका पॉइंट द सेकंडार्मी फॉर द सेकेंड फॉर्मूला क्या आ रहा है वैल्यू? For TV 90, yes, very good. तो ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्त

टाइम रिक्वायर टू अचीव द डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन टू डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन आपका लिंक बना रहा है, है।, टी है, है मतलब क्योंकि लिंक हो गया क्लियर है बात क्लियर है बात यहां तक अब देखोगे तो मेरे दोस्त यहां पर टाइम हमने डिस्कस कर लिया सीवी डिस्कस ऑलरेडी अब बात करते किसका ड्रेनेज बात अब बात किसका करते हैं लेटॉक अबाउट द ड्रेनेज पाथ सो दो तरीके का ड्रेनेज है बेटा एक है आपका सिंगल ड्रेनेज दूसरा आपका डबल ड्रेनेज अब वर्ड में ड्रेनेज पाथ देखोगे यहां पर ध्यान से लेटस से दिस इज दास लेटेस्ट से दिस इज दास ठीक है यह आपका सोइल मास है नीचे नीचे की तरफ आपका इम है दिस इज द इमपर्मिएबल लेयर एंड द हाइट ऑफ दिस लेयर इज एच ठीक है द सवॉल इज सैचुरेटेड द स्वल इज सैचुरेटेड यू हैव अप्लाइड द लोड यू हैव अप्लाइड द लोड द स्वॉल इज सैचुरेटेड आपने लोड लगाया तो जब आपने लोड लगाया है तो थ्रू आउट दर विल बी वाटर थ्रू आउट दर बी वाटर हर पॉइंट पे क्या होगा हर पॉइंट पे आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखने वाला है हर पॉइंट पे आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखने वाला है दिखने वाला है क्या हाँ दिखेगा आपको बॉटम आप हर जगह ही होगा वाटर मॉलिक्यूल हर जगह ही होगा जिसको बाहर स्किप करना है तो मेरे दोस्त आपका कंसोलिडेशन का पूरा होगा जब हर पानी हर एक पार्ट ऑफ वाटर विल बी कमिंग आउट और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा बाहर आने में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा बाहर आने में? सोच के देखना। सबसे ज्यादा पार्ट टाइम कौन से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर आने में लगेगा जो सबसे दूर होगा है ना? जो सबसे दूर होगा इसको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि वो बॉटम में अवेलेबल था तो कितना ड्रेनेज का पाथ कवर किया बोलोगे कितना ड्रेनेज का पाथ कवर किया उसको कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ा टू कम आउट ऑफ द सिस्टम एच तो इसको हम बोलते हैं सिंगल ड्रेनेज ठीक है सो लेंथ ऑफ़ द ड्रेनेज पाथ इज इक्वल टू एच समझ में आया क्लियर है पॉइंट यहां पर सिंगल ड्रेन मतलब क्या हुआ देर इज ओनली वन डायरेक्शन एम वन या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा डेट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल ड्रेनेज लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं देखिए ओके नाउ आई टॉक अबाउट कि भैया दोनों साइड परमिएबल है नीचे भी परमिएबल है और ऊपर भी परमिएबल है दोनों साइड आपका क्या है परमिएबल है इट मे बी सॉइल राइट सो माय डियर फ्रेंड अब क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है कि पानी डिवाइड कर लेगा है ना जिसको जितना आसानी से चीज मिल जाए उतना आसानी से काम करना चाहेगा जिसको जहां से रेजिस्टेंस कम मिलेगा वहां से निकलना चाहेगा तो क्या होगा कि ये मिड हाइट पे मान लो ये हाइट एच था सो फ्रॉम द हाइट ऑफ एच बाई टू एक लेयर बन गया और क्या होने वाला है इसके ऊपर का मॉलिक्यूल बोलेगा कि भैया हम इधर से चल जाएंगे ठीक है ठीक है और इसके नीचे का बोलेगा हम नीचे से निकल जाएंगे सही बात है कि नहीं ये नीचे से निकल गया तो अगर मैं यहां पे ड्रेनेज पाथ की बात करूं अगर मैं यहां पे ड्रेनेज पाथ की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या हो गया इन दिस केस द ड्रेनेज पाथ इज नथिंग बट एच बाई टू और इसी को हम क्या बोल रहे हैं डबल ड्रेनेज तो ऊपर और नीचे अगर दोनों परमिएबल लेयर है अगर ऊपर और नीचे दोनों परमिएबल लेयर है तो उस केस में जो ड्रेंज पात होगा जो डेप्थ होगा उसका आधा हो जाएगा क्लियर पॉइंट क्लियर पॉइंट अच्छा दिख नहीं रहा आपको अब आप दिख जाएगा अब दिख रहा है अब दिख रहा है अब दिख गया ना अब दिख गया ना चलो ओके ठीक है बच्चा लोग यहां तक कोई डाउट अब सर देखो मान लो सवाल में ऐसा बोल रहा है कि आपको जो डेप्थ चेंज हो रहा है उसको भी कंसिडर करना है समझे बात को ध्यान से कि एट टाइम टी बराबर जीरो टी बराबर जीरो टी बराबर जीरो आपका डेप क्या था एच वन था एट टाइम टी बराबर टी आपका डेप क्या था एच टू था और बोल रहे कि आपको को कंसिडर करना पड़ेगा जो चेंज उसको कंसिडर करना पड़ेगा सवाल में बोला है तो उस केस में आप क्या निकालोगे पहले एच एवरेज निकालोगे डेट इज एच वन प्लस एच टू बाई टू अगर सिंगल ड्रेनेज हुआ अगर सिंगल ड्रेनेज हुआ तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज बात क्या हो गया एच एवरेज हो गया लेकिन यही अगर डबल ड्रेनेज हुआ तो ड्रेनेज बात क्या हो गया एच एवरेज डिवाइडेड बाई क्लियर है पॉइंट क्लियर है पॉइंट बोलोगे यस और नो ज द पॉइंट क्लियर टू ऑल इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल यस सो दबाउट द ड्रेनेज पाथ डेट इज अबाउट द ड्रेनेज पाथ गुड गुड बढ़िया ना माई डियर फ्रेंड माई डियर फ्रेंड कोई क्वेश्चन करे क्या क्वेश्चन करे क्या बहुत ज्यादा थ्योरी हो गया यार कुछ थोड़ा क्वेश्चन करने के लायक हम बने हैं क्या क्वेश्चन करने के लायक बने हैं क्या देखते हैं बन पाएगा क्या बन जाएगा बन जाएगा हाँ डबल ड्रेनेज कैम पर ऊपर सैंड लेयर नीचे सैंड लेयर क्ले आपका मान लो क्ले में आप बात कर रहे हो सो सोना लैब टेस्ट ऑन अ क्ले सैंपल ऑफ थिकनेस ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट कंसोल्टेशन अकर्ड इन इलेवन मिनट्स फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करस्पॉन्डिंग क्ले लेयर इन द फील्ड टू मीटर थिक ड्रेनिंग एंड टॉप एंड बॉटम बोथ टू अंडर गो सेवेंटी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन कैन सॉल्व सम क्वेश्चन राइट क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लग रहा है कि माहौल तो थोड़ा अच्छा बनेगा है ना सो लेट सोल्व यू नुम फर्स्ट लेट सोल्विकल फर्स्ट सो इन टेस्ट ऑनलेिकनेस ट्वेंटी ड्रेनेज आर टॉप ओनली फिफ्टी परसेंट कंसोल्टेशन अकर इन इलेवन मिनट सर पहला क्वेश्चन है इसलिए सुन लो ड्रेनेज एट टॉप ओनली का क्या मतलब है सिंगल ड्रेनेज या डबल ड्रेनेज ड्रेनेज एट टॉप ओनली का क्या मतलब है सिंगल ड्रेनेज या डबल ड्रेनेज बोलोगे इट स्टैंड फॉर सिंगल ड्रेनेज सिंगल ड्रेनेज ठीक है ना 50% परसेंट ऑफ द कंसोल्टेशन अकॉर्डिंग 11 मिनट्स मतलब ये जो 11 मिनट दिया है ये आपको क्या दिया टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिफ्टी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन यही आपको दिया हुआ है यही आपको दिया हुआ है यही आपको दिया हुआ है अब मेरे दोस्त अब क्या बोल रहा है ये आपका पहला सिचुएशन दिस इज द कंडीशन नंबर वन दिस इज द कंडीशन वन कंडीशन वन में आपको बोल दिया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिफ्टी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन इज लेवन मिनट्स एंड ड्रेनेज पाथ इज वॉट ड्रेनेज पाथ आपका कितना दिया ट्वेंटी फाइव एम mm. एम यह आपका क्योंकि सिंगल ड्रेनेज है ये आपको दिया हुआ है हम ये भी जानते हैं कि टी फिफ्टी टी वी फिफ्टी बराबर कितना होता है पॉइंट वन नाइन सिक्स ये बात हम जानते हैं चलिए सर आगे बात करते हैं अब बोल रहा है बताओ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करस्पॉन्डिंग क्ले लेर करस्पॉन्डिंग क्लेयर मतलब क्या हुआ आपका क्ले लेयर बदला या क्ले लेयर वही रहा अगर मैं करस्पॉन्डिंग क्ले लेयर बोल रहा हूं तो क्या मेरा क्ले लेयर बदल गया या क्ले लेयर वही रह गया यस yes? यस yes? बोलो यार क्ले लेयर वही रह गया तो अगर क्ले लेयर वही रह गया तो मेरा सीवी बदलेगा कि नहीं बदलेगा जो मेरा सॉयल का प्रॉपर्टी है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा हाँ जी अगर मेरा सैंपल साम्प, सैंपल वही है अगर मेरा स्वल सैंपल वही है बस फेनोमेना बदल रहे थिकनेस बदल देंगे या कुछ भी बदल देंगे ड्रेनेज बदल देंगे हाँ तो मेरा सी क्या रहेगा सेम रहेगा सी वी विल बी सेम तो सी क्या बोल दिया ये लाइन का मतलब है सी क्या हो गया सेम हो गया फील्ड है जिसका दो मीटर थिक है फील्ड में थिकनेस दो मीटर थिक है अब यहां पे बोल रहा है ड्रेनिंग एंड टॉप एंड बॉटम बोथ तो ड्रेनिंग एंड टॉप ड्रेनिंग एट टॉप एंड बॉटम बोथ मतलब सिंगल ड्रेनेज या डबल ड्रेनेज मतलब सिंगल ड्रेनेज या डबल ड्रेनेज बोलोगे यार हा इट स्टैंड फॉर डबल ड्रेनेज इट स्टैंड फॉर डबल ड्रेनेज है ना टू अंडर गो सेवेंटी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन तो कंडीशन टू आपको क्या बोल रहा है कंडीशन टू आपको क्या बोल रहा है आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेवेंटी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन जब आपका थिकनेस है टू बाई टू क्यों टू बाई टू आपका दो मीटर था डबल ड्रेनेज है तो यूनिट का ध्यान रखना मीटर में आपको दिया हुआ है टीवी सेवेंटी कितना दिया हुआ पॉइंट फोर जीरो सवाल में आपको गिवन है तो मेरे दोस्त आपका सेम है आपका सेम है मतलब क्या हुआ सीवी इज कॉन्स्टेंट Soil आपका है मतलब क्या हुआ CV is कॉन्स्टेंट अब मेरे को जो निकालना है टाइम निकालना है तो हम देखो तो हमारे पास क्या फॉर्मला है टीवी बराबर सीवी इंटू टी बाई डी स्क्वायर यही फॉर्मला है मतलब सर हम क्या लिख सकते सीवी बराबर सीवी बराबर टीवी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी यही लिख सकते हो ना यही लिख सकते हो ना बोलो यार यही लिख सकते हो तो अगर आप ये लिख सकते हो मेरे दोस्त तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हो टीवी वन डी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी वन इज टू टीवी टू डी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू आप ये पहला सवाल है ना इसीलिए इतना आराम से बना रहे हैं इसीलिए एक बात समझा रहे हैं और क्यों इतना समझा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है अगर नहीं समझे ना एग्जाम छोटी छोटी गलतियां करके आते हो तुम लोग आपको नहीं पता आप करके आते हो मैं हर साल देखता हूं आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है बच्चों से देखो यहां पे कभी यूनिट में गलती करोगे कभी फॉर्मूला सही से नहीं लगाओगे हर साल मैंने देखा यह चीज देखो यहां पे तो टीबी वन तो टीबी वन पहला कंडीशन ले लेते हैं वन इज ट्वेंटी फाइव एम एम ओके सर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर कर दे रहे हैं अपॉन टी वन आपको कितना दिया इलेवन मिनट्स मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दे रहे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दे दिस इज इक्वल टू टी टू हमको कितना दिया पॉइंट फोर जीरो फाइव ठीक है यहां पे मेरा डेप्थ कितना है वन मीटर तो mm में कन्वर्ट करना है टेन पावर थ्री टेन पावर थ्री का होल स्क्वायर टेन पावर सिक्स डिवाइडेड बाई टी तो ये जो आपका टी आएगा ये कुछ सेकेंड्स में आएगा लेकिन सर मैंने क्या बोला फील्ड पे कंसोल्टेशन में टाइम लगता है तो जनरली आप क्या करोगे जो टाइम बताओगे वो डेज में बताओगे जो टाइम आप बताओगे वो डेज में बताओगे वेन एवर यू से टाइम यू से दैट टाइम इन डेज ठीक है क्योंकि वो थोड़ा बेटर आपको डाटा दे रहा होगा वो आपको बेटर डाटा दे रहा होगा तो आइदर यू लेव लीव इट इन मिनट्स ओनली Either you leave it in minutes only, आप पे आंसर में दे दो और फिर मुझे आप डेज में दे दो 25.25 वेरी गुड 25.25 डेज इट्स करेक्ट आंसर वेरी गुड समझ में आया दोस्तों बोलोगे यार इतना डिटेल में एक एक लाइन आप समझ लो क्वेश्चन को बनाने का तरीका जियोटेक में भैया क्वेश्चन को बनाने का तरीका जियोटेक में देख रहे हो एम रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन और मैं स्टेटमेंट को क्या कर रहा हूं ब्रेक कर रहा हूं यस ऑर नो आई एम ब्रेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट वन बाई वन ताकि अब छोटे छोटे पार्ट का क्या मतलब है वो क्लियर रहे और अब कोई पार्ट आपसे छूटे नहीं क्लियर है तो जब भी आप बड़ा क्वेश्चन बना रहे हो ना जब भी आप बड़े क्वेश्चन बना रहे हो तो उन बड़े क्वेश्चन में आपको क्या करना है कुछ नहीं स्टेटमेंट पढ़ो उस स्टेटमेंट से क्या डाटा निकल रहा है उसको ध्यान दो अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्लियर है मेरे दोस्त अरे बोलो यार यस yes? चलिए देखते एक और क्वेश्चन बन पाएगा क्या हाँ ये भी बन जाएगा ये भी बन जाएगा ये भी बन जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं हमेशा देखता हूं चैट जब भी देखो ये यूट्यूब ना बहुत पुराना नियम है हम पढ़ा रहे यार मतलब ढाई साल हो गया यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते एक चीज हमने ऑब्जर्व किया है यूट्यूब पे पढ़ाते ढाई साल हुआ ऑफलाइन छोड़ दो ठीक है तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है सर ये बेस्ट है वो बेस्ट है मैं तो बोलता हूं बेस्ट है आई एम वेरी स्मॉल पर्सन क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करता हूं जो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं टॉपर्स को तो सब पढ़ा लेते हैं यार टॉपर्स को तो सब पढ़ा लेते हैं मुझे उनको पढ़ाना है जो अपने आप को कमजोर समझते हैं जिनको यह लगता है कि सर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा मुझे उनको कॉन्फिडेंस देना है जो टॉपर भैया जो तेज दिमाग है उसको तो लोग पढ़ा ही लेंगे तो उनके लिए लोग अच्छे बनी जाएंगे उनको पढ़ा के मैं क्या कर लूंगा मुझे उनको नहीं पढ़ाना है मुझे उनको पढ़ाना है जो अपने आप को कमजोर मानते होते नहीं कमजोर बट मानते अपने आप को कमजोर और मुझे उनको रैंकर बनाना है आई वॉन्ट टू मेक दो पीपल रैंकर चलिए सर प्लीज सॉल्व इट प्लीज सॉल्व इट एटी ईयर बाबा बोरा 80 ईयर्स ओके बैबा भी सिंह एटी ईयर्स इट्स इविशन वाला क्वेश्चन करा देना बेटा सीपेज वो सब आप जब पढ़ोगे स्टैबिटी ऑफ स्लोप से थोड़ा लिंक किया हुआ है इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बना होगा ठीक है एटीयर्सुचि गुड आदित्य बढ़िया पंडित लक्ष्मी अशोक क्या बात है सबका एक आंसर आ रहा है मजा आ गया भाई सवाल पढ़ते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्ले लेयर टू अचीव 90% परसेंट कंसोल्टेशन इज 15 इयर्स तो आपको ये क्या दे दिया टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% परसेंट कंसोल्टेशन दे दिया डेट इज 15 इयर्स ये आपको डाटा है केस वन टाइम रिक्वायर टू अचीव 90% परसेंट कंसोलिडेशन इफ द लेयर ट्वाइस एज थिक तो मान लो जो अगर इनिशियल डी वन था तो अभी बोल रहा है डी टू बराबर डी टू बराबर टू डी वन ये बात आपको बोल रहा है लेयर को ट्वाइस कर दिया थ्री टाइम्स मोर परमिएबल अच्छा अगर थ्री टाइम्स मोर परमिएबल हो गया तो क्या सॉइल वही रहा कि सॉइल बदल गया अगर थ्री टाइम्स मोर परमिएबल है तो सोयल वही रहा कि सॉइल बदल गया सोच के देखना बोलो यार इवट इज थ्री टाइम्स मोर परमिएबल बदल गया सवाल है चेंज्ड, तो सवाल बदला तो सीबी बदल गया सवाल बदला तो सीबी बदल गया तो यहां पे क्या बोला के टू इज थ्री टाइम्स के वन एंड फोर टाइम्स मोर कंप्रेसिबल ऑब्वियसली बात है स्वाल बदला तो बदलेगा, फोर टाइम्स मोर कंप्रेसिबल मतलब एमबी टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स एमबी वन तो बताओ टाइम कितना लगेगा टू अचीव 90 परसेंट डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन अब यहां पे क्या कांस्टेंट है अब यहां पे क्या कांस्टेंट है इन दिस केस व्हाट इज कांस्टेंट बोलो यार यहां पे टीवी कांस्टेंट है यहां पे टीवी कांस्टेंट है सो so, टीवी बराबर हम क्या जानते हैं सीवी इंटू टी बाई डी स्क्वायर है ना टी बाई डी स्क्वायर सीवी बराबर क्योंकि अब सॉइल बदल रहा है उसके लिए बता भी रहा है के बाई एम वी गामा डब्ल्यू इन टू टी बाई डी स्क्वायर अब देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट के वन टी वन अपॉन एम वी वन गामा डब्ल्यू डी वन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के टू टी टू एम वी टू गामा डब्ल्यू तो नहीं बदलेगा ना यार टी टू स्क्वायर यस और नो यही होगा अब सवाल क्या बोला सवाल यह बोला कि टी वन आपको दीवन है कितना टी वन आपको बताया हुआ पंद्रह दिस इज फिफ्टीन ईयर्स के टू इज टू टाइम्स ऑफ के वन एम बी टू इज फोर टाइम्स ऑफ एम बी वन एंड योर फोर टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स है तो ये आपका फोर टाइम्स हो गया तो अब मेरे दोस्त यहां पे कट जाएगा टू टू ज कुछ एरर हुआ क्या वही तुमको लग रहा है कुछ एरर हुआ है आपको क्या बोल रहा है थ्री टाइम्स मोर परमिबल दिस इज थ्री इट्स नॉट टू ओके दिस इज थ्री थ्री टाइम्स मोर परमिबल गॉट इट तो यहां पे ये काट देगा पांच बार आ जाएगा तो टी टू बराबर क्या हो गया मेरे दोस्त फाइव इंटू सिक्सटीन दैट इज हाउ मच एटी ईयर्स तो अस्सी साल में यह आपको मिल रहा होगा इन द सेकेंड कंडीशन क्लियर है अरे बोलेगा एज द पॉइंट क्लियर टू ऑल एज द पॉइंट क्लियर टू ऑल यस सो टी टू बराबर एटी ईयर्स एट जीरो एटी ईयर्स राइट चलिए एकदम 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 आप लोगों को पता है आई एम मूविंग अ हेड ऑफ द शेड्यूल आप लोगों को पता है आई एम मूविंग अ हेड ऑफ द शेड्यूल मैं अपने शेड्यूल से आगे चल रहा हूं और कितना दिन लिया है क्लास मैंने ये आपका तेरवा लेक्चर इफ आई थिंक दिस इज जस्ट थर्टींथ लेक्चर आई एम मूविंग अहेड ऑफ योर शेड्यूल तो यार क्या मैंने कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लिया कि नहीं यार दो नहीं चार घंटा लेंगे तीन घंटा लेंगे नहीं लिया है ना तो इसको बोलते हैं प्लानिंग प्रॉपर प्लान तरीके से एक, एक बात बता रहा हूं एंड आई एम क्वाइट एश्योर्ड आपका एक, एक पीवाई क्यू बन रहा होगा अगर आप प्रॉपर क्लास कर रहे हो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपका एक एक पीवाई क्यू बन रहा होगा यस चलिए सो माई डियर फ्रेंड और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी नहीं बनने वाला आपसे अभी नहीं बनेगा अब पहले अब हमको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा तब आपसे क्वेश्चन बनेगा सो लेट्स कम टू पॉइंट लेट्स कम टू पॉइंट सो एक जो कैंसिल हो गया था उसको एक्स्ट्रा हम ले लिए थे अच्छा कल पता आप लोग के लिए क्या करने वाले कल पता आप लोग के लिए क्या करने वाले कल डीपीपी के जो अच्छे क्वेश्चंस थे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी जिसमें शायद आपसे आंसर नहीं निकल रहा होगा वो सारा कल लेके आएंगे कल मांग चलो इट्स से, नुमड़कल सेशन कल मोस्टली जो आपका सेशन होने वाला है वो नुमड़िकल होने वाला है मतलब दो घंटा नुमड़िकल अच्छा वाला है जी मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा कल दो घंटा बढ़िया से नुमड़कल कर रहे होंगे हम लोग मतलब कंसोल्टेशन का तो करेंगे ही साथ ही साथ जो डीपीपी में अच्छे क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे इसी टाइम पे एक्स्ट्रा नहीं बुलाएंगे भाई तुमको हम हम एक्स्ट्रा उक्स्ट्रा नहीं बुलाते हैं। मेरे को जो टाइम है उस टाइम आपको करवाएंगे मुझे आपके वैल्यू पता है आपके समय का तो आई विल नॉट टेक एक्स्ट्रा डोंट वरी देखो आप तो सीवी को डिटरमाइन करने का दो मेथड है एक आपका स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीडिंग मेथड, दूसरा आपका लॉग ऑफ टाइम होगा क्या डाटा हो सकता है तो देखो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज गिवन बाय टेलर साहब और टेलर साहब ने 90 परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन माना था ठीक है तो मतलब यहां पे टीवी नाइनटी ज इक्वल टू सी वी इंटू टी नाइंटी बाई डी स्क्वायर तो सीवी बराबर क्या हो गया टी वी नाइनटी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी नाइंटी बस तो आपको अगर सवाल में बोला है आपको क्या दिमाग में रखना है समझना अगर आपको सवाल में बोला है कि मेरे दोस्त अगर आपको सवाल में बोला है कि मेरे दोस्त स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड यूज हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड यूज हुआ है तो इससे आपको यह समझना है इससे आपको ये समझना है कि मेरे दोस्त 90% परसेंट की बात हो रही है बस ये अगर इसका मतलब यह है कि आप 90 परसेंट कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो क्लियर बात आप 90 परसेंट कंसोल्डेशन की बात कर रहे हो यह यहां पे आते हैं लॉग लॉग ऑफ ऑफ टाइम टाइम मेथड। मेथड तो क्या हो जाएगा टीबी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी फिफ्टी क्लियर है बात तो अब यहां पे क्या बोल रहे हैं अगर हम लॉग ऑफ टाइम फिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं आई एम अबाउट द फिफ्टी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आई एम टॉक द फिफ्टी परसेंट डिग्री ऑफ कंसोल्टेशन अच्छा सर एक ये तरीका दूसरा तरीका क्या है ना उन में जिसमें सेकेंडरी कंसोल्टेशन भी कंसर्ड होता है ठीक है ठीक जिनमें सेकेंडरी कंसोल्टेशन भी देखा जाता है सिग्निफिकेंट होता है उस केस में हम कौन सा यूज करते हैं वी गो फॉर द नाइंटी परसेंट ठीक है फॉर फाइंडिंग द देखो हमने क्या बोला प्राइमरी कंसोल्टेशन को होने में कितना टाइम लगेगा प्राइमरी कंसोल्टेशन को होने में कितना टाइम लगेगा इन टाइम लग सकता है है ना तो हम क्या मानेंगे कि अगर 90% परसेंट कंसोल्टेशन हो गया है तो भैया मेरा प्राइमरी कंसोल्टेशन कंप्लीट हो गया अगर 90% परसेंट कंसोल्टेशन हो गया है तो हम क्या मानेंगे मेरा कंसोल्टेशन पूरा हो गया और वो स्वाइल जिसमें सेकेंडरी कंसोल्टेशन सिग्निफिकेंट होता है उसमें गो फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड क्लियर है बात तो ये बस आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं कुछ शायद यूज हो जाए तो इसलिए आपको मैंशन कर दिया क्लियर है भाई लोग क्लियर है सारी बात है ना जी चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं जो यूज करेंगे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं जो हम यूज करेंगे देखा जाए लेट एस सी समार्मूलाज लेट वी आर गोइंग टू यूज राइट अगर मानो सवाल में आपको क्या दिया वर्ड रेशो गिवेन और आपको क्या निकालना है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट सो जब हम बात करें प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट तो ये बात किसका कर रहा है एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन एट द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन कितना सेटलमेंट हुआ उसकी बात कर रहा है या किसी स्टेज की बात कर रहा है बोलोगे एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन बात कर रहा है मेरे दोस्त इट टॉकिंग एट द एंड ऑफ द कंसोल्टेशन राइट सो हम किसका बात कर रहे हैं अगर हम बोल रहे हैं डेल्टा एच है। इज टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट यह बात हम करने जा रहे हैं हम ये निकालने जा रहे हैं ठीक है सर प्लीज लपर झंडीज लोग आते रहेंगे है ना लपर झंडीज लोग सिस्टम में आते रहेंगे फालतू का लिखते रहेंगे लेकिन अपने को अपने पढ़ाने से मतलब है। तो हमारे पास है डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट यही फॉर्मला मेरे दोस्त यही फॉर्मला है देखो यहां पर तो अब यहां पे अगर मेरे को डेल्टा एच निकालना है अब यहां पे अगर मेरे को डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट इन टू जो इनिशियल हाइट गिवन था ये एच क्या था द एच वॉज द इनिशियल हाइट एट टाइम टी बराबर जीरो है ना डेरिवेशन किए थे वट वॉज एच इनिशियल हाइट इनिशियल हाइट यही था ना मेरे दोस्त वॉट वॉज ई नॉट इनिशियल वर्ड रेशियो ई नॉट वॉज इनिशियल वर्ड रेशियो एंड डेल्टा ई क्या हुआ चेंज इन वर्ड रेशियो चेंज इन वर्ड रेशियो कब जब आपका कंसोलिडेशन ओवर हो गया तो उस समय यह फॉर्मुला लगेगा एंड डेल्टा एच हम बात किसका कर रहे हैं इट इज द अल्टीमेट कंसॉलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच इज द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्लियर है अरे क्लियर है बात अब देखो आगे अगला बात करें एमबी इज नोन तो अब इसको देखो कैसे आया सर आपको फॉर्मूला उतना ही रटना है जितना जरूरी है अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए खासकर उन फॉर्मूलाज का जो ज्यादा यूज होता है सो एम बी इज नोन कैसे निकालेंगे देखो हमको पता है डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट हम क्या करने जा रहे हैं डेल्टा सिग्मा डैश मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं कर सकते हैं दम कर सकते हैं अब अगर हम ऐसा किए बोलो मेरे दोस्त व्हाट इज दिस डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश इज नथिंग बट एवी और यहां पे नीचे में क्या है वन प्लस ई नॉट और ये हो गया डेल्टा सिग्मा डैश नाउ माई डियर फ्रेंड एवी अपॉन वन प्लस ई नॉट क्या हो गया एवी अपॉन वन प्लस ई नॉट यह क्या हो गया एम वी हो गया एम वी इन टू डेल्टा सिग्मा डैश मतलब बेटा डेल्टा एच बराबर एच एम वी डेल्टा सिग्मा डैश यहां तक कोई डाउट किसी को एच इज द इनिशियल हाइट इज द ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी डेल्टा सिग्मा इज चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा डैश इज अ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक यहां तक कोई डाउट फॉर्मूला में कोई डाउट है फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है वो क्लियर होना चाहिए भैया ये सारे ये जितने भी आप फॉर्मूलाज देख रहे हो ये सारे फॉर्मूलाज आपके क्या हैं ये सारे फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है बोथ द फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट बोथ द फॉर्मूला अभी जो दो फॉर्मुला देखे दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है ठीक है चलिए अगला सवाल करते हैं अगला पार्ट देखते हैं देखेंगे देखेंगे अब अगला क्या बोला सीसी इज नोन अब सीसी पे कैसे लाएंगे समझना हमारे पास फॉर्मूला बेसिक वही है डेल्टा एच बाय एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट हमारे पास फॉर्मूला यही है अब हम क्या करने जा रहे लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश जो इनिशियल स्ट्रेस था प्लस जो आपने बढ़ाया अपॉन सिग्मा नॉट डैश करने जा रहे हैं अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश अब मेरे दोस्त आपको अगर सीसी का कर्व याद होगा इफ यू रिमेंबर द सीसी कर देखेंगे इफ यू रिमेंबर द कर तो कर में आपको याद होगा कि कर्व कैसा आया था स्ट्रेट लाइन आया था कर्व कैसा आया था स्ट्रेट लाइन आया था आया था ना आया था सो माई डियर फ्रेंड वॉल्ड रेशियो मान लो यहां पे ई वन है ई टू है लॉग ऑफ सिग्मा वन डैश लॉग ऑफ सिग्मा टू डैश क्लियर है बात तो सर ये जो सिग्मा टू डैश आपने लिखा है एक्चुअल में क्या है सिग्मा वन डैश प्लस डेल सिग्मा डैश समझ में आ रहा है बात सिग्मा वन डैश जो पहले लगा हुआ था डेल्टा सिग्मा डैश आपने एडिशनल स्ट्रेस लगाया जिसके कारण सेटलमेंट हुआ सिग्मा वन डैश पहले से ही लगा हुआ था डेल्टा सिग्मा डैश आपने लगाया है जिसके कारण सेटलमेंट आपको देखने मिला है इज इट क्लियर सिग्मा वन डैश पहले से ही लग रहा था आपने जो एडिशनल लोड लगाया है उसके कारण आपको सेटलमेंट देखने मिल रहा है इज इट क्लियर चलिए सर तो वही आपका सिग्मा टू डैश है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए सिग्मा टू डैश को हम क्या लिख दिए सिग्मा वन डैश प्लस डेल सिग्मा डैश या सिग्मा प्लस डेल सिग्मा डैश क्लियर है पॉइंट पॉइंट अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर तो मेरे दोस्त ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है इसी को तो हम सी बोलते हैं इसी को तो हम सी बोलते हैं तो देखो यहां पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू CC अपॉन वन प्लस ई नॉट इनटू इनिशियल हाइट इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश डेट इज इनिशियल स्ट्रेस प्लस चेंज जिसके कारण आपका हो रहा है अपॉन सिग्मा नॉट डैश ठीक है बात सो दिस इज योर फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट माई डिफरेंट इसको कुछ और साइन दे दे क्या देखे तो अरे वाह यहां तो पत्ती आ गया भाई ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको अलग ही साइन दिया है मैंने इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डिफरेंट है ना क्लियर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त ये ज्यादा मस्त है ना हा चलो ठीक है तो अभी तक हमने कितने फॉर्मला देखे यहां पर तीन फॉर्मला देखे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेटलमेंट अब इसी को मैं क्वेश्चन बनता है इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त फ्रॉम दिस ओनली तक क्वेश्चन साइट डेल्टा चीज है फाइनल सेट यही तो पहले लिखा है <laughs> हमको पता है ना ये प्रॉब्लम आता है तभी तो लिखा है तभी तो लिखा है अर्पित भाई कि डेल्टा टोटल सेटलमेंट तभी ये बात लिखा है पहले उसके बाद आगे बात की है और जब ये फॉर्मूला डिराइव भी किया था तब भी ये बात बोला था डेट वॉज द एंड ऑफ द कंसोल्टेशन आपका डेल्टा चाहिए तब भी बात बोला है चलो ठीक है ना भाई तो थोड़ा इसका अब टॉपिक अगर आ गया तो यूज भी देख ले क्या टॉपिक अगर आ गया तो थोड़ा यूज भी देख ले क्या है थोड़ा और पढ़ा दे कि रुक जाए थोड़ा और पढ़ा दे कि रुक जाए थोड़ा और पढ़ा देना पढ़ा देना भाई पढ़ा देना एप्टी है ये बड़ा झमेला हो गया चलो ठीक है बहुत लोग ऐपटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए सो विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर इन द नेक्स्ट क्लास नो इशू नो इशू क्योंकि मुझे पता है आपके लिए भी थोड़ा हेटिक हो जाता है ठीक है नो इशू बेटा मैं आपके साथ खड़ा हूं आपको मुझे पता है मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा डोंट वरी है ना आप ही के लिए हूँ टेंशन मत लेना कल करते हैं नो इशू तो मेरे दोस्त सेशन कैसे एंड होता है सेशन कैसे एंड होता है सट इज द टाइम टेकन यस 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 हाँ भाई सेशन कैसे एंड होता है सेशन एंड होता है लाल हो जाता है आग लग जाती है और मेरे दोस्त हैश टैग जी डब्ल्यू सोल्जर्स भर जाता है एकदम 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 थैंक यू टू ऑल आई होप यू ऑल एंजॉयड इट मजा किया आपने मजा किया आपने आई होप यू ऑल एंजॉयड इट राइट चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो मीट यू ऑल टुमारो टुमारो विल कंप्लीट द दंसोल्टेशन न्यूमरिकल एंड डीबीपी के जितने बढ़िया क्वेश्चन है वो सारे मैं कल करा रूंगा ऑल द गुड क्वेश्चन कल मैं करवा रहा हूँ ठीक है? ठीक है एकदम एकदम सो so वो कल कर रहे होंगे तो सेशन को लाइक और शेयर दबा के कर देना बाकी अब हम लोग मिलते हैं कल बाय टेक केयर गुड नाइट